हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जो डीसीएम टेस्ट सीरीज है इसका मेजर नंबर 5। तो कुल मिलाकर के 12 मेजर है जिसमें से 5th मेजर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपका ये जो पेपर है ये फुल सिलेबस का पेपर है और ध्यान से देखना, देखो इसको अपन ने नीट के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 140 है। और एक हो जाएगा आपके पास में सेक्शन बी जिसका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स है वो तो आपके 180 रहेंगे, यानी कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, बट आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी चॉइस के हिसाब से स्किप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले सेक्शन ए है, दिस सेक्शन कंटेन्स 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने आपको कंपलसरी है। कोई भी जो सही क्वेश्चन है उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको -1 मिलेगा। और इसके बाद अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो सेक्शन बी है इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आप अपनी चॉइस के हिसाब से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और 5 क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो वेक्टर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, इफ क्यू इज डबल्ड द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू फी देन आर इक्वल टू। तो बात सुनना भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या देगा, आर वेक्टर देगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो ये देगा आपके पास आर इक्व टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, आर स्क्वायर बराबर यह देगा भी। एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन गया। अब आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपने क्यू को डबल कर दिया तो ध्यान से देखना, देखो न्यू रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक तो आपके पास में क्या देगा पी, और एक आपके पास में क्यू है, इसको आपने डबल कर दिया तो ये बन जाएगा 2Q। इनका जो नया रिजल्टेंट है, नया रिजल्टेंट क्या देगा आपके पास में, मान के चलेगा आर डेस हो जाएगा, और ये जो आर डेस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके बताओ, पी के, ये पी के परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पर अपन लगा देंगे टेन एल्फा, ये अपन लगा देंगे टेन एल्फा। तो टेन एल्फा इक्व टू क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो 2Q साइन थीटा अपॉन पी प्लस 2Q कॉस थीटा। अब बात सुना, अभी एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो एल्फा को अपन 90 पुट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा टेन 90। टेन 90 को अपन क्या पुट कर देंगे, इनफाइनाइट। और बात सुना भाई, इनफाइनाइट है इसको अपन लिख सकते हैं 1/0। इसके बाद इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Q साइन थीटा वो तो 0 के हवाले हो जाएगा, और इसके बाद में पी प्लस 2Q कॉस थीटा इक्व टू क्या हो जाएगा, 0 देगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं पी प्लस 2Q कॉस थीटा इक्व टू 0। तो यहां से आपके पास में जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, माइनस पी अपॉन 2Q, माइनस का पी अपॉन 2Q देगा भी। और इसके बाद में कॉस थीटा की ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो इक्व टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और कॉस थीटा को अपन क्या बोल देंगे भाई, माइनस पी अपॉन 2Q, ठीक है। इसके बाद 2Q से अपन यहाँ पर 2Q कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में जो आर है वो किसके बराबर बन जाएगा, क्यू के बराबर बन जाएगा। R किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। तो R Q के बराबर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा भी। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R है, तो आप लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्व टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब बात सुनना भाई, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को एक हिंट और दे रखा है। ऐसे बोला जा रहा है इफ क्यू इज डबल्ड, तो क्यू तो क्या बन जाएगा, 2Q बन जाएगा, P आपके पास में P का P रहेगा, टेन एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टेन एल्फा बराबर हो जाएगा 2Q sin थीटा अपन पी प्लस 2Q cos थीटा, एल्फा 90 आपको दे रखा है, तो
1090 इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को 1/0 पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करते हैं, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजीली इसको आपने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखो क्या करे, ये करे कि पॉइंट मास ऑफ 5 kg प्लेस्ड एट 340 द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस विल बी। तो ध्यान से देखना, तो ये तो सिंपल है, अगर आपको निकालना आई जेड इक्वल टू क्या देगा आपके पास, एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एम का तो क्या देगा, एम हो देगा, और जो जेड एक्सिस से इसे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है, तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इसका रूट होता है और स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो एम कितना देर का है अभी, 5 देर का है, एक्स कितना देर का, 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, 25 और इंटू 5 कितना देगा आपके पास 125 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो आर एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा वाई एक्सिस, आर वाई इक्वल्स टू क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और अगर आपको जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो आर जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ध्यान से देखना, देखो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा अभी, तो इसको अपन बोलेंगे एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा अभी, तो 125 यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट आ जाएगा अभी, समझ गए बात आप, ये चीज हो गई। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आ जाएगा ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे ध्यान से देखना, देखो इन ए स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल गिव्स 1.5 mm रीडिंग ऑन लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल हैज 50 डिविजन्स, लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज। अब बात सुना भी, अगर आपको जैसे स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट चाहिए तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, और पिच अगर आपको चाहिए ध्यान से देखना, देखो 5 चक्कर काटने पर 1.5 mm की डिस्टेंस कवर करता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5 mm डिवाइडेड बाई 5, ये तो पिच हो गया अभी। भाई सर्कुलर स्केल को एक चक्कर से घुमाने पर ये लीनियर स्केल पर कितना ट्रेवल करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, तो आपका पिच कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 0.3 mm हो जाएगा, और इसके बाद इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे बताओ, 50 से, नंबर ऑफ डिविजन से, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो 1.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अभी, इसको अगर अपन सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.006 mm, ये आपकी लिस्ट काउंट हो जाएगी अभी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधा करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना, ये आपकी लिस्ट काउंट हो जाएगी किसकी, स्क्रू गेज की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, यह कह रहा है कि ए रोफ ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बीइंग फुल्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर बाय ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इक्वल्स टू एम जी, द फोर्स इज एक्टिंग एट वन एंड ऑफ द रोफ इन द सेम डायरेक्शन एज द लेंथ ऑफ द रोफ, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोफ एंड फ्लोर इज 1/2, यानी म्यू की वैल्यू आपको गिवन है,
देन द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप इज, आपको क्या करना है अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए बहुत ईजिली अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ध्यान से देखना। तो इस प्रकार से ये अपने पास कोई भी रोप है, ठीक है, और इस पर अपन इधर की तरफ क्या कर रहे हैं अभी फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स है एफ बराबर कितना देगा एम जी देगा, और इसके बाद में ध्यान से देखना तो इस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग जाएगा, नीचे की तरफ लग जाएगा इस प्रकार से एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, और यहाँ पर आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी किसके बराबर देगा एम जी के बराबर ही देगा। और फिर उसके बाद जैसे अपन इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो रफ सरफेस है, इसकी वजह से इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, और एफ बराबर कितना देगा अभी म्यू इंटू एन हो जाएगा, एन किसके बराबर एम जी के बराबर, और म्यू कितना देगा वन बाई टू देगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे अभी एम जी डिवाइडेड बाई टू लिख देंगे। तो ध्यान से देखना तो इसका आगे की तरफ कुछ एक्सलरेशन आ जाएगा, और इसका आगे की तरफ एक्सलरेशन कितना देगा ए, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए बराबर आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी एम जी, पीछे की तरफ कितना फोर्स आ जाएगा बताओ एम जी बाई टू, और इसको अपन क्या करते हैं अभी एम से डिवाइड कर देंगे, तो एम जी माइनस एम जी बाई टू कितना देगा एम जी बाई टू डिवाइडेड बाई एम इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास है जी बाई टू आ जाएगा। तो ये तो क्या बन जाएगा अभी इस रोड का एक्सलरेशन आ जाएगा आगे की तरफ, इस रोड का ये एक्सलरेशन आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना, देखो मेरे को मिड पॉइंट पर टेंशन पता करना है, तो मिड पॉइंट पर टेंशन पता करने के लिए या तो पीछे वाले हाफ पार्ट का या आगे वाले हाफ पार्ट का मैं क्या करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। तो चलो अपन एक काम करते हैं, पीछे वाले भाग का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, या आपके पास में पीछे वाला जो आधा भाग है ना इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया अभी, ये पीछे वाला भाग हो गया। तो इस पीछे वाले भाग पर इस प्रकार से आगे की तरफ टेंशन तो लग जाएगा टी लग जाएगा, कितना लग जाएगा टी, यानी मिड पॉइंट पर यहाँ पर आपको टेंशन पता करना है अभी, ओके। इसके बाद में जो ध्यान से आधा भाग है तो इस आधे भाग का मास कितना हो जाएगा m बाई टू देगा, तो इस पे नीचे की तरफ वेट फोर्स लग जाएगा कितना mg बाई टू, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल है वो भी कितना हो जाएगा mg बाई टू हो जाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग जाएगा बताओ म्यू n, तो म्यू कितना हो जाएगा वन बाई टू, और n कितना हो जाएगा आपके पास mg बाई टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा mg बाई फोर बन जाएगा अभी। तो इस पर पीछे की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन, तो f बराबर कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपके पास mg बाई फोर हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है अभी इसका एक्सलरेशन आगे की तरफ ए, ये अपने को गिवन है, तो यहाँ से अपन इसका टेंशन पता कर लेंगे टी बराबर, तो टी बराबर कितना हो जाएगा अभी सॉरी यहाँ से टी हो गया, इसके बाद में ध्यान से आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है टी लग रहा है, और पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी एम जी बाई फोर लग रहा है, तो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स बराबर क्या देगा एम ए, मास कितना हो जाएगा इसका बताओ m बाई टू देगा, और इसका जो एक्सलरेशन है एक्सलरेशन अपन ने कितना निकाल रखा है बताओ g बाई टू निकाल रखा है, तो यहाँ से आपके पास t बराबर कितना देगा mg बाई फोर उधर की तरफ चला देगा इसके बाद में, और प्लस क्या देगा आपके पास mg बाई टू टू फोर हो देगा, तो mg बाई फोर प्लस mg बाई फोर बराबर कितना देगा mg बाई टू आ जाएगा अभी, समझ में आ गई बात है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा इसका टेंशन हो जाएगा, तो टेंशन को अपन बोलेंगे mg बाई फोर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले पूरी रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अपन ने इसका एक्सलरेशन कैलकुलेट कर दिया, और इसके बाद में इस रोड का जो पीछे वाला हाफ पार्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट कर दिया अभी, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा क्या करें, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of constant force is related to time t by the equation t equals to root x plus 3 where x is in meter and t is in second, the work done by the force in first 6 second। to baat suna bhai yahan par aapko de rakha hai is prakar se t equals to root x plus 3 ho gaya, to yahan se apan kya likh sakte hain answer dekhna, dekho root x equals to t minus 3, yahan se x equals to kya dega bhai t माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस का 60 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसके बाद में v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ये होता है dx अपॉन dt, तो इसको अपन बोलेंगे 2t माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो v हो गया। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं t बराबर 0, तो बात सुना है टी बराबर जीरो पर अपन बात करते हैं, तो टी बराबर जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी वी वन बराबर क्या हो जाएगा अभी जीरो फुट कर दो यहाँ पे,
तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 8t इक्वल टू फॉर फर्स्ट 6 सेकंड, तो t बराबर 6 पर अपन बात करते हैं, तो v2 इक्वल टू कितना देगा भाई, t की जगह 6 पुट कर दो तो 6 इंटू 2 क्या देगा 12, और 12 माइनस 6 क्या देगा आपके पास में 6 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे प्लस का 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, वर्क डन बराबर क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या देगा हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो वर्क डन बराबर क्या देगा हाफ एम कितना देगा आपके पास वन। अब बात सुना अभी वी टू स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना देगा 36, माइनस माइनस 6 का स्क्वायर भी कितना देगा आपके पास है 36, तो वर्क डन बराबर कितना देगा आपके पास है 0 जूल हो जाएगा। कितना देगा 0, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा अभी इसके अंदर। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर आपको टी और एक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भी, एक्स और टी के बीच में जो रिलेशन है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो आपको वी और टी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम टाइम टी वन पुट कर देंगे तो वी वन आ जाएगा, टी टू पुट कर देंगे तो वी टू आ जाएगा, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहां से अपन वर्क डन कैलकुलेट कर देंगे भी, ठीक है ना। और वर्क डन कितना देगा भी 0 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या करें। टू वायर्स ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर एंड लेंथ 2L एंड रेडियस 2R हैविंग सेम यंग्स मॉडुलस वाई आर हंग विद वेट mg एज शोन, नेट इलोंगेशन इज। बात सुनना अभी, देखो यहाँ पर अपने पास है दो वायर है, और ये वाला जो वायर है इस वायर की ध्यान से देखना, देखो लेंथ कितनी एल है, रेडियस क्या देगी आर हो जाएगी। अगर अपन इस वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर लेंथ कितने देगी आपके पास में 2L, और इसके रेडियस कितने देगी 2R हो जाएगी। तो नेट इलोंगेशन आपको पता करना है। यहाँ पे अपन जानते हैं कि जैसे मतलब इलोंगेशन होता है एक्स होता है, वो एक्स बराबर कितना होता है अभी एफ एल अपॉन ए इंटू क्या होता है वाई होता है। और नेट इलोंगेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एक्स नेट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो एक्स वन है बराबर कितना देगा अभी एफ, एफ कितना देगा इसके अंदर टेंशन भी एम जी हो जाएगा, इसके अंदर भी टेंशन कितना देगा एम जी हो जाएगा। तो एक्स वन की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्स कितना देगा एम जी, पहले वायर की जो लेंथ है वो कितना देगी एल अपॉन, इसका एरिया कितना देगा बताओ पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या देगा वाई प्लस। दूसरा वायर है इसके अंदर टेंशन कितना देगी एम जी हो जाएगी, बट इसकी जो लेंथ है वो कितना देगी बताओ 2L अपॉन। इसके बाद इसकी रेडियस है वो कितने भी 2R है, तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर तो 4πr स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 4πr स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस कितना देगा वाई हो जाएगा, 2/4 नीचे की तरफ कितना देगा भाई 2 आ जाएगा। तो अगर इसको अपन ऐड कर देंगे तो ये कितना देगा आपके पास है 3/2, और इसके बाद में mgl अपॉन πr स्क्वायर इंटू वाई। तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखना, देखो 3/2 mgl अपॉन πr स्क्वायर वाई, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यह कह रहा है कि परपेंडिकुलर क्लॉक लोजेस, सॉरी ए पेंडुलम क्लॉक लोजेस 12 सेकंड ए डे इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गेन्स 4 सेकंड ए डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल ऑफ द मेटल इज। तो बात सुनना भाई, सबसे पहले अपन जानते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर अपन एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं ध्यान से देखना। देखो ये होता है आपके पास है डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ये होता है फॉर्मूला आपके पास में इस प्रकार से, यू डेल्टा टी बाय टी इक्वल टू क्या होता है आपके पास हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। अब बात सुनना भी, एक दिन की बात कर रहा है इन ए डे, एक दिन की बात कर रहा है तो ये जो टोटल टाइम है ये कितना हो जाएगा भी 24 आवर्स हो जाएगा, और 24 आवर्स के अंदर अगर अपन सेकेंड्स कैलकुलेट कर लेंगे तो कितने सेकेंड्स आ जाएगा ध्यान से देखना। देखो
24 आवर्स की अगर अपन बात करते हैं, 24 इंटू 60 इंटू कितना देगा 60, तो 86,400 आ जाएगा अभी। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा टी इक्वल टू क्या देगा 1/2 एल्फा, इसको अपन बोलेंगे डेल्टा थीटा इंटू, ये देगा आपके पास 86,400। तो इसको अपन बोलेंगे, ध्यान से देखना, 86,400 सेकेंड। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास, डेल्टा थीटा देगा भी, यानी जितना टेम्परेचर के अंदर आप चेंज करोगे ना, टाइम पीरियड उसके अंदर उतना ही चेंज हो जाएगा भी। समझ गए बात आप? अब सुनो ध्यान से देखना, देखो ये बात है कि 12 सेकेंड डे पेंडुलम लूजेस 12 सेकेंड डे इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे टाइम पीरियड वो भी क्या देगा बढ़ जाएगा, जैसे जिससे पेंडुलम क्या देगा स्लो देगा, और टाइम ये क्या करेगा भी लूज करेगा। समझ में आ गई बात? और टेम्परेचर को अगर अपन घटा देंगे तो इस स्थिति में लेंथ भी क्या हो जाएगी डिक्रीज, जिससे टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा, और जिससे ये क्या करेगा भी टाइम गेन करेगा। तो सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि मान के इसलिए ये किस टेम्परेचर पर सही टाइम बताती बताओ, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास थीटा नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा नोट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो आपके पास मान के इसलिए जो थीटा नोट है ये तो क्या देगा अभी यहाँ पर, तो बताएगा ये करेक्ट टाइम, क्या बताएगा करेक्ट टाइम। थीटा नोट से ध्यान से देखना, देखो अगर आपने कितना कर दिया अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इस स्थिति में ये क्या करेगी बताओ, टाइम लूज करेगा। और अगर आपने कितना कर दिया अभी मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अगर ये आपने कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस स्थिति में ये क्या करेगा अभी, इस स्थिति में ये टाइम को क्या करेगा लूज करेगा, और इस स्थिति में ये क्या करेगा टाइम को गेन करेगा। समझ गए बात आप? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ये वाला जो टाइम डिफरेंस है वो कितना देगा, ये वाला टाइम डिफरेंस 40 माइनस थीटा नोट हो जाएगा, तो कितना टाइम गेन कर रहा है बताओ, डेल्टा टी कितना हो जाएगा बताओ 12 सेकंड का, ये देखा आपके पास है 12 सेकंड का अपॉन, दूसरा जो टाइम गेन कितना कर रहा है, टाइम गेन कितना कर रहा है, ये कर रहा है कितना भी 4 सेकंड बाई 4 इक्व टू। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर कितना भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 माइनस थीटा नोट ये डेल्टा थीटा हो गया, और दूसरा कितना देगा थीटा नोट माइनस 20 हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे थीटा नोट माइनस क्या देगा 20 हो जाएगा। तो 12 बाई 4 कितना देगा आपके पास 3/1, इसको अपन बोलेंगे 3/1 बोल देंगे भी। इसके बाद इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा भी 3 थीटा नोट, और इसके बाद माइनस कितना देगा आपके पास है 60 बराबर, यह देगा आपके पास 40 माइनस क्या देगा आपके पास है थीटा नोट हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे तो 3 थीटा नोट प्लस थीटा नोट बराबर कितना देगा 4 थीटा नोट, माइनस का 60 उधर की तरफ जाएगा तो प्लस का 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, तो यहां से आपके पास है थीटा नोट बराबर कितना देगा 25 आ जाएगा, तो थीटा नोट बराबर कितना देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा अभी। समझ गए बात आप है? ये चीज अब ध्यान से देखना, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है अभी 30, 55, 25, 60, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, इस कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी थर्ड हो जाएगा। फिर भी अगर यहाँ पर आपको एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एल्फा अपन किससे निकाल सकते हैं बताओ, किसी भी फॉर्मूले से, मतलब जैसे किसी भी कंडीशन के लिए आप डेल्टा टी और डेल्टा थीटा की वैल्यू फुट कर दो एल्फा देगा। चलो अपन इसकी बात करते हैं इस फॉर्मूले से, पहले केस में डेल्टा टी कितना देगा बताओ 12 सेकेंड बराबर, ये देगा आपके पास 1/2 एल्फा का एल्फा हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपन डेल्टा थीटा, तो बात सुना भी डेल्टा थीटा कितना देगा भाई, करेक्ट टाइम ये कब बता दी 25 है, आपने टेम्परेचर कितना कर दिया 40 कर दिया है, तो डेल्टा थीटा कितना देगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड का देगा, इसको अपन बोलेंगे 15 इंटू ये देगा आपके पास 86,400 सॉरी इसको अपन बोलेंगे 86,400 ठीक है ना, ये देगा आपके पास 86,400 हो जाएगा अभी। तो यहाँ से सोल्व करके अपन क्या कर सकते हैं अभी, इस एल्फा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, और एल्फा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही ऑप्शन आपका आएगा अभी। समझ गई बात आप? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा, यानी टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो
टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभी, ठीक है ना। तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। तो पहले डेल्टा टी कितना देगा अभी, टाइम में चेंज कितना देगा, 12 सेकंड, फिर 4 सेकंड। एक्चुअल टेम्परेचर, करेक्ट टेम्परेचर कितना है, थीटा नोट है, तो 40 माइनस थीटा नोट अपॉन थीटा नोट माइनस 20 हो जाएगा अभी। समझ गए बात आप? तो चलो इसको आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखने दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ इन द स्टडी स्टेट इन सर्किट इज शोन इन फिगर। बात सुनना अभी, ये आपके पास में पॉइंट ओ है, यहाँ का आपको पोटेंशियल पता करना है, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा वी हो जाएगा, कितना हो जाएगा वी। अब इधर से भी मान लो करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है बताओ, आई वन। इधर से भी मान किस लेगा करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है, आई टू। और इधर से भी इसके अंदर करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है बताओ, आई थ्री। अब इस पॉइंट पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो यहां पर कितनी करंट आ रही है बताओ, आने वाली करंट कितनी आ जाएगी, I1 प्लस क्या देगा I2 प्लस I3, जाने वाली करंट कितनी आ जाएगी बताओ, जीरो। ओके, ये कर दिया मैंने। इसके बाद में अपन जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R। तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो 1 माइनस वी, इसको अपन बोलेंगे 1 माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास में, 1 प्लस ये वाली करंट कितना देगा, 2 माइनस वी अपॉन 2। 2 माइनस वी अपॉन क्या देगा आपके पास में, 2 प्लस ये कितना देगा, 3 माइनस वी अपॉन 3। 3 माइनस वी अपॉन क्या देगा, 3 इक्वल टू क्या देगा अभी, 0 देगा। अपन एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। तो एलसीएम 6 ले लेते हैं, तो 6/1 कितना देगा आपके पास है, 6 आ गया। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 माइनस क्या देगा, 6V। इसके बाद हम प्लस 6/2 कितना देगा, 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 कितना देगा, 6 माइनस क्या देगा आपके पास है, 3V। और प्लस 6/3 कितना देगा, 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 कितना देगा, 6 माइनस क्या देगा, 2V। अपॉन में 6 है, इसको 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 + 6 + 6 कितना देगा, 18। माइनस 6V माइनस 3V माइनस 2V, 6 और 3 9, 9 × 2 कितना देगा, 11। तो माइनस कितना देगा, 11V बराबर क्या देगा, 0। तो यहाँ से आपके पास 11V बराबर कितना देगा भाई, 18 आ जाएगा। यहाँ से V बराबर कितना देगा, 18/11 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट, अपन अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स F व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 2R देन फोर्स विल बी। अब बात सुना भी, अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करते हैं, जैसे ये आपके पास में पॉइंट चार्ज है, ये आपके पास में पॉइंट चार्ज है, इस पे इसका फोर्स, इस पे इसका फोर्स, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, वो फोर्स टाइम से देखना, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है ना, ये चीज़ होगी भी। बट ध्यान से देखना, देखो टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल्स P1 एंड P2, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो ध्यान से देखना। देखो एक तो ये आपके पास में डाइपोल हो गया, एक ये आपके पास में डाइपोल हो गया भी, इसको अपन बोलेंगे P1 और इसको अपन क्या बोलेंगे, P2 बोलेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भी, R हो जाएगी। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, 1/r⁴ आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r⁴। अब डिस्टेंस को आपने R से क्या कर दिया अभी, 2R कर दिया, 2R कर दिया। तो अपन लिख सकते हैं कि F' / F इक्वल टू क्या बन जाएगा, r/r⁴। R का तो R, ये 2R, इसकी पावर 4, 1/16। तो यहां से आपके पास F' बराबर क्या देगा आपके पास, F/16। फोर्थ ऑप्शन आप यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा अभी।
तो एक बात यहां पर आपको ध्यान रखने की, ध्यान से देखना, देखो दो पोल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स तो आर इस करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि दो डाइपोल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो आर टू दी पावर फोर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है भी, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है भी। इसके बाद में चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, देखो लेमडा ए एंड लेमडा एम आर द वेवलेंथ्स ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इन एयर एंड मीडियम रेस्पेक्टिवली। इफ थीटा इज पोलराइजिंग एंगल द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लेमडा ए लेमडा एम एंड थीटा इज। अब बात सुनना भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा भाई, यहाँ पे जैसे मतलब ये पोलराइजिंग एंगल की बात कर रहा है, पोलराइजेशन की अपन बात करते हैं, आपको एक रूल याद होगा भी ब्रेविस्टर्स रूल। तो क्या कहता है, ध्यान से देखना, देखो ब्रेविस्टर्स रूल, ये कहता है आपके पास म्यू इक्वल्स टू क्या होता है अभी टेन थीटा होता है, और म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है अभी, म्यू इक्वल्स टू होता है आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो सी अपॉन, सी अपॉन क्या होगा आपके पास में वी, ठीक है ना। और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि सी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सी इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास में न्यू इन टू लेमडा इन एयर अपॉन, ये आपके पास में वी बराबर कितना देगा आपके पास में न्यू इन टू लेमडा इन, ये आपके पास में मीडियम बन जाएगा भी, ठीक है ना, ये चीज बन गई भी। इसके बाद में ये न्यू तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से, इसको अपन बोल सकते हैं लेमडा एम इक्व टू लेमडा ए अपॉन क्या होगा आपके पास टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो लेमडा ए कोट थीटा, तो लेमडा एम इक्व टू क्या देगा आपके पास है लेमडा ए कोट थीटा, फोर्थ ऑप्शन जा रहा है क्या, फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा अभी, समझ गए बात आप। तो ये ब्रेविस्टर्स रूल है, उससे बहुत इजीली अपन इसको सोल्व कर देंगे भी, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट है से ये क्या कर रहा है, इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट इज। अब बात सुना भी, इंटेंसिटी अब वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, आपको एक फॉर्मूला याद होगा आई इक्व टू क्या होता है अभी आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, और इंटेंसिटी मैक्सिमम की क्या देगी 1/4 हो देगी, आई नॉट से आई नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2 इक्व टू कितना देगा 1/4, तो यहाँ से आपके पास ध्यान से देखना, देखो कॉस 5/2 बराबर कितना देगा आपके पास 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं कॉस 60, और 60 को अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, देखो पाई बाई 3 हो जाएगा अभी, तो कॉस 5/2 इक्व टू कॉस 5/3, तो यहाँ से 5/2 इक्व टू कितना देगा 5/3 हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना, देखो 5/2 इक्व टू क्या देगा आपके पास है 5/3, तो यहाँ से आपके पास है जो फाइव है वो कितना देगा आपके पास है 2/5/3 हो जाएगा, अभी कितना देगा 2/5/3। अब ये तो आपके पास है फेज डिफरेंस हो गया, एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या होता है ध्यान से देखना, देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्व टू ये होता है लेमडा अपॉन 2π इंटू क्या होता है फेज डिफरेंस होता है अभी, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल्टा बराबर लेमडा अपॉन ये हो जाएगा आपके पास है 2π, और इसके बाद 5 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2π/3 हो जाएगा, 2π से 2π को कैंसिल आउट कर दो लेमडा बाई 3 आ गया, ये पाथ डिफरेंस आ चुका है। इसके बाद में जब आपने YDAC का मैथमेटिकल एनालिसिस किया था तो वहां पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा डेल्टा इक्व टू कितना होता है डी साइन थीटा होता है अभी, तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्व टू डेल्टा अपॉन डी, बेटा डेल्टा कितना देगा लेमडा बाई 3 इंटू डी, तो साइन थीटा बराबर आ गया, तो थीटा बराबर क्या देगा आपके पास है साइन इनवर्स, इसको अपन बोल देंगे लेमडा डिवाइडेड बाई 3d, ये आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स लेमडा बाई 3d, थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा भाई, समझ गए बात आप। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा।
चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाई माइनस के स्क्वायर अपॉन 3R³। यूज बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिप्लेस करना आना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज को, किस प्रकार से रिप्लेस किया जाता है। देखो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, यू बराबर क्या देगा अभी माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन 3, या देगा आपके पास आर क्यूब। अपन जानते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसके बाद माइनस माइनस क्या देगा, प्लस हो देगा, तो के ई स्क्वायर अपॉन 3 डी अपॉन डी आर, और यह देगा आपके पास आर की पावर माइनस का 3 देगा अभी। तो यहां से आपके पास एफ इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास 3, और आर की पावर क्या देगा माइनस का 3 देगा, तो माइनस का 3 आ गया देगा, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 3, और आर की पावर माइनस का 3 माइनस 1, तो आर की पावर क्या बन जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा। माइनस से अपन ये 3 से अपन क्या करेंगे, 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स फोर्स बराबर इसको अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो माइनस का भाई माइनस तो क्या, अभी केवल डायरेक्शन को बता रहा है, तो फोर्स बराबर कितना देगा, अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन, के ई स्क्वायर अपॉन क्या देगा आर की पावर 4 आ जाएगा अभी। और फोर्स होता है हमेशा किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में ये घूम रहा है। इसके बाद में एक चीज मैं आपको पहले से यहां पर बता देता हूं ध्यान से, एम वी आर बराबर कितना देगा एन एच अपॉन, ये देगा आपके पास 2π हो जाएगा। v बराबर कितना देगा अभी एन एच अपॉन 2πm इंटू आर हो जाएगा। तो यहां से अपन m बाई आर, और इसके बाद में v स्क्वायर की वैल्यू फुट कर देंगे, तो बराबर कितना देगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये चीजें हो चुकी है, अब बात सुनना भी देवदान से, यहाँ पे कुछ काटा पीटी अपन कर देते हैं, तो देखना ध्यान से, देखो क्या बन जाएगा, इसको इसको कंपेयर करवा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आर स्क्वायर आर आर क्यूब, यहाँ पर क्या देगा आर की फॉर 4 आ जाएगा ना, तो आर बन जाएगा, यहाँ पे केवल आर बचेगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक एम से का एक एम भी कैंसिल आउट देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये देखो आपके पास 4π स्क्वायर, और m कट चुका है, ये r तो जा ही चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इक्वस टू क्या देगा भी के ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्या देगा के ई स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास r आ गया भी, ठीक है ना, ये चीज आ चुकी है भी। तो यहाँ से एक काम करते हैं, अपन कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो 4π स्क्वायर कांस्टेंट है, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो देगा, के कांस्टेंट, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो देगा, तो यहाँ से आपके पास आना से एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या इसको आप लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर हो देगा अभी। इसके बाद देखना ध्यान से, देखो जो एनर्जी है, एनर्जी तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर क्यूब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को अपन क्या लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास n टू दी पावर 6 बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो n टू दी पावर 6 थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, यहाँ से अपन फोर्स निकाल देंगे, फोर्स को अपन एम वी स्क्वायर अपन आर के बराबर कर देंगे, वी को अपन एन एच अपन 2π mr से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से n और r के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से एनर्जी है वो आर क्यूब की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r को अपन क्या लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर लिख देंगे, तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू दी पावर 6 बन जाएगा अभी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपका। इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, इस अपन नेक्स्ट योगदान से क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक प्लेट बी डबल्ड देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स। बात सुना भी, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं कि के मैक्स बराबर क्या होता है अभी ई माइनस क्या होता है फाई नॉट होता है, ये आइंस्टीन इक्वेशन होती है भी, ठीक है ना। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं,
मान किस लिए आपके पास है जो फाइ नोट है, ये कितना देगा भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन ने मान लिया अभी। अब इसके बाद पहली स्थिति में जो ई है वो ई बराबर कितना देगा भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस स्थिति में आपका जो के मैक्स है बराबर कितना देगा 2 माइनस 1 कितना देगा भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी स्थिति में अपन बात करते हैं देवदान से, ई को अपन कितना कर देते हैं अभी भाई एनर्जी है वो क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी, भाई एनर्जी ई बराबर क्या होता है एच न्यू, तो भैया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा न्यू, फ्रीक्वेंसी को अगर 2 टाइम्स कर रहे हो तो एनर्जी को भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो पहले आपने 2 माना तो इसको अपन क्या मान लेंगे भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 में से अपन क्या करेंगे 1 कर देंगे माइनस, तो के मैक्स बराबर कितना देगा भी 4 माइनस 1 बराबर कितना देगा आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन देख सकते हैं कि इंसिडेंट एनर्जी को अपने 2 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी वो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, तो मोर देन डबल्ड, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल रेनड्रॉप्स आर फॉलिंग थ्रू एयर विद ए टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, इफ द 2 ड्रॉप्स कोएलेस इन एयर देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रॉप इज, सुनना ध्यान से देखना देखो, एक तो ये ड्रॉप है एक ये ड्रॉप है, ये दोनों मिलकर के एक लार्ज ड्रॉप का फॉर्मेशन कर देती है। अपन देख सकते हैं कि इन दोनों का वॉल्यूम 2 इंटू क्या देगा स्मॉल वी बराबर क्या देगा कैपिटल वी देगा, 2 इंटू इनका वॉल्यूम कितना देगा भाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना देगा भी 4/3 पाई इंटू क्या देगा आपके पास है कैपिटल आर क्यूब बन जाएगा भी। वॉल्यूम कंजर्वेशन तो अपन लगा ही सकते हैं, 4/3 से 4/5/3 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यह देगा आपके पास 2 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास रिलेशन आ गया, जो इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी जो रेडियस कैपिटल आर है इसके बीच का, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से देखना देखो, अपन जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है अभी आर स्क्वायर होता है वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ध्यान से देखना देखो, ये देखा आपके पास में वी टी फॉर लार्जर अपॉन वी टी फॉर स्मॉलर इक्व टू, लार्जर की रेडियस कितने देगी आर स्क्वायर, स्मॉलर की रेडियस कितने देगी आपके पास में आर स्क्वायर हो जाएगी बराबर। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं अभी ये वाला रिलेशन देखो ध्यान से, ये देखा आपके पास में 2 आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब देगा अभी, तो यहां से आपके पास है कैपिटल आर बराबर कितना देगा 2 की पावर 1/3 इंटू क्या देगा आपके पास स्मॉल आर हो जाएगा अभी, तो यहां से आर की वैल्यू कितने देगी भी आर की वैल्यू देगी 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की पावर कितना देगी 2/3 इंटू क्या देगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर देगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बराबर कितना देगा ध्यान से देखना देखो, वी टी फॉर लार्जर तो आपको कैलकुलेट करना है और स्मॉलर की कितनी हो जाएगी भी टर्मिनल वेलोसिटी 1 हो जाएगी इक्व टू, ये देखा आपके पास 2 की पावर 2/3। इसके बाद में यहां से आपके पास देगा वी टी फॉर लार्जर बराबर कितना देगा आपके पास 2 की पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर आ जाएगा अभी। तो 2 की पावर 2/3 तो कहीं पे है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 कितना देगा 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर 1/3 भी इसको अपन लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 मीटर पर सेकेंड, तो ध्यान से देखना देखो, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यह कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गामा इक्वल्स टू कितना देगा 1.4 इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इस टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ये कितना हो जाता है 27 से 35 हो जाता है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, भैया सीधी सी बात है कि डी यू बराबर क्या होता है, डी यू बराबर म्यू सी वी डेल्टा टी,
म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू सीवी बराबर क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन। डेल्टा टी क्या देगा आपके पास, टी टू माइनस टी वन, कितने मोल है अभी, वन मोल। आर कितना होता है अभी 8.314, गामा कितना देगा 1.4, 1.4 माइनस वन कितना देगा 0.4, और डेल्टा टी कितना देगा ध्यान से देखना, देखो डेल्टा टी 27 to 35 में 27 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास 8 आ जाएगा, कितना देगा 8 आ जाएगा अभी, तो ये कितना देगा आपके पास 20, तो 8.314 इसको अपन 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा ध्यान से देखना, देखो लगभग इसको अपन क्या कर सकते हैं अभी, ये हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 20, 166 आ जाएगा, कितना देगा 166, तो 166 प्लस का जूल, ये जूल में आ गया अभी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी आर की वैल्यू आपको 8.3 दे रखी है ना, तो 8.3 दे दोगे ना तो 166 एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा अभी, समझ गए बात आप। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना ध्यान से देखो क्या करें, यह कह रहा है कि द पावर ऑफ ए बाई कन्वेक्स लेंस इज 10 डायफ्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज। भैया ध्यान से देखना देखो फॉर्मूला, तो आपको देखो याद होना ही चाहिए, एफ इक्वल टू कितना होता है आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस क्या देगा 1 हो जाएगा, और एफ बराबर कितना देगा 1 बाई पी हो जाएगा, क्योंकि पी और एफ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं अभी। तो यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है अभी, म्यू पूछा जा रहा है, तो इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे, तो म्यू माइनस क्या देगा 1 इक्वल टू कितना देगा अभी पी आर डिवाइडेड बाई 2, तो म्यू बराबर कितना देगा आपके पास पी आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में क्या देगा आपके पास 1, पावर कितने दे रखी है बेटा 10 डायप्टर और रेडियस कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर देगा, डिवाइडेड बाय क्या देगा 2 और इसके बाद में प्लस में क्या देगा 1 हो देगा, तो ये कितना देगा 1 बाय 2 प्लस 1 कितना देगा 3 बाय 2 देगा, कितना देगा 3 बाय 2। कितना आसान क्वेश्चन है देवदान से, फर्स्ट ऑप्शन सीधा सीधा आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट देवदान से, ये कह रहे हैं कि ए रोड 1 मीटर लॉन्ग एंड मेड बाय मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 420 वॉट पर मीटर पर केल्विन हैज वन ऑफ इट्स एंड इन मेल्टिंग आइस एंड अदर एंड इन बॉइलिंग वाटर। If its area of cross section is 10 centimeter square, the amount of ice that melts in 1 minute is। तो ध्यान से देखना देखो एक मिनट में, एक थर्मल कंडक्शन का फॉर्मूला होता है क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी बराबर क्या होता है के ए अपॉन एल इंटू क्या होता है आपके पास डेल्टा टी होता है। डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं एम इंटू एल, एल क्या होती है लेटेंट हाइट होती है, सॉरी लेटेंट हीट होती है, और इसके बाद ध्यान से देखना देखो यहाँ पे ये होता है के ए अपॉन स्मॉल एल लेंथ हो जाएगी, डी टी को अपन क्या लिख देंगे टी लिख देंगे बराबर क्या देगा आपके पास के ए अपॉन क्या देगा एल इंटू क्या देगा डेल्टा टी हो जाएगा। एम का तो एम हो जाएगा, एल कितना होता है अभी, अब बात सुना अभी आइस की अगर अपन बात करते हैं तो जो आइस होती है उसकी लेटेंट हीट कितनी होती है भी, ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो इसको अपन लिख देंगे कितना 80 कैलोरी, कैलोरी कितना होता है आपके पास 4.2 जूल पर ग्राम, ग्राम कितना होता है 10^-3 किलोग्राम, ठीक है ना, एम एल ठीक है ना अपॉन टी। एक मिनट की बात करा तो टी कितना देगा अभी 60 सेकेंड आ जाएगा, कितना देगा 60 सेकेंड, तो मैंने एम L की वैल्यू फुट कर दी, T की वैल्यू फुट कर दी, K कितना देर का भी आपको यह देगा आपके पास है 420, A कितना देगा भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना देगा 10^-4 ठीक है ना अपॉन L, L कितना देर का भी 1 मीटर देर का है, इसको अपन क्या कर देंगे 1 मीटर कर देंगे। चलो भाई इसको अपन सोल्व करते हैं,
सॉल्व करते हैं तो ये कितना देगा 4.2, ये कितना देगा 100 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना देगा 10^-3, और फिर उसके बाद 10^-3 इधर की तरफ चला जाएगा, और फिर उसके बाद यदि इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो एम की वैल्यू कितना देगी भी आपके पास में, यह देगी 7.5 ग्राम आ जाएगी भी, ठीक है ना। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है, तो 7.5 ग्राम यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा भी। तो थर्मल कंडक्शन का ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और बाकी ध्यान से देखना। देखो एल क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, और आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो भी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो ये कह रहा है, इस सिंपल पेंडुलम बॉब इन ए पोजिशन वेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सच ए वेलोसिटी दैट इट्स वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन बिकम्स 1/2 इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन नेट फोर्स ऑन द बॉब इज। सुनना ध्यान से देखना। देखो यहां से अपन क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यू प्रोजेक्ट करते हैं, यहां से अपन इसको क्या कर दिया, इस प्रकार से यू प्रोजेक्ट कर दिया यू से, और जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाती है तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाती है इस प्रकार से वी, और वी बराबर क्या होता है आपके पास में ध्यान से देखना। देखो यू स्क्वायर माइनस क्या होता है 2gh का रूट होता है भी। तो लेंथ कितना देगी इसकी, एल हो जाएगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे यू स्क्वायर माइनस क्या देगा 2gl, इसको अपन इसका रूट बोल देंगे। ये जो एच है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा भी। यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो वी है ना वी, ये यू का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। तो यहां से वी स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास, यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर कितना देगा, यू स्क्वायर माइनस क्या देगा 2gl बराबर, इसको अपन बोलेंगे u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा भी। u स्क्वायर बाई 4 को इधर की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2gl बराबर, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा भी। तो 2gl बराबर कितना हो जाएगा 3u स्क्वायर बाई 4, समझ गए बात आप। अब सुनना ध्यान से देखना। देखो अब यहां पर अपन बात करते हैं कि इस स्थिति की, अगर अपन बात करें इस स्थिति में, तो इस स्थिति में देखिएगा ध्यान से, देखो वेलोसिटी कितनी देगी, ये तो ये आ ही चुकी है, v बराबर कितना देगा यू बाई 2 आ जाएगा। अब इस स्थिति में अगर इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं अभी, एक तो लगता है इस पर इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना देगा एफ सी, और एक इस पर नीचे की तरफ लगता है क्या लगता है अभी mg लगता है, ये लगता है वेट फोर्स लगता है, ठीक है ना। चलो अपन यहाँ पे एफ सी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एफ सी बराबर कितना देगा अभी, यह देगा आपके पास m इंटू ए सी बराबर क्या देगा m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई l आ जाएगा, ठीक है ना, और बराबर कितना देगा m बाई l। और बात करते हैं v स्क्वायर की, बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो v स्क्वायर बराबर कितना देगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बाई 4 हो देगा, कितना देगा u स्क्वायर बाई 4, तो v स्क्वायर को अपन क्या बोलेंगे u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा बराबर। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो m बाई l, इसके बाद ध्यान से देखना, देखो u स्क्वायर बाई 4, यहां से u स्क्वायर बाई 4 की बात अगर अपन करते हैं तो u स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना देगा 2gl बाई 3 आ जाएगा, कितना देगा 2gl बाई 3, तो इसको अपन बोलेंगे 2gl बाई 3 आ जाएगा भी। अब यहां पर ध्यान से देखना, तो l से अपन क्या करेंगे, l को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सॉल्व करने पर ये कितना बन जाएगा आपके पास बताओ, इसको अपन बोलेंगे 2mg डिवाइडेड बाई 3 आ गया भी, ये fc आ चुका है। अरे सिंपल है, fc बराबर m into ac, ac क्या होता है v स्क्वायर बाई l, तो m बाई l, और इसके बाद v स्क्वायर को लिख देंगे u स्क्वायर बाई 4, और u स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू यहां से अपन निकाल करके पुट कर देंगे तो 2mg बाई 3 आ गया। अब इस पर नेट फोर्स है वो इस प्रकार से इधर की तरफ आता है, तो इसको अपन बोल देंगे एफ नेट,
तो देखो ध्यान से, एफ नेट बराबर कितना देगा, एफ सी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास नाइन, प्लस एम जी का क्या देगा आपके पास एम स्क्वायर जी स्क्वायर, इसका अपन क्या कर देंगे रूट कर देंगे। तो नौ और चार कितना देगा आपके पास में तेरह, तो अपॉन कितना देगा नौ, तो रूट थर्टीन बाई थ्री एम जी, तो रूट थर्टीन बाई थ्री एम जी फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा। अभी अब ध्यान से देखते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान सकता हूं इसको मैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा मतलब इजी, इतना इजीली बच्चे के माइंड में क्लिक नहीं करता कि नेट फोर्स। देखो ध्यान से, अगर ये बॉल यहां पर है तो इस स्थिति में एक तो भैया इस पे फोर्स, देखो एक तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस स्थिति में इस पे सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता ही है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपके पास एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये तो होता ही है। अब ध्यान से देखना, देखो नेट फोर्स की बात कर रहा है तो इस पे नीचे की तरफ एम जी भी आपको लगाना पड़ेगा, ये भी ग्रेविटी की वजह से इस पे फोर्स काम कर रहा है, तो नेट फोर्स इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये मेरी नज़र में, तो बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपन आगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपने को सोल्व करने हैं। तो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्स टुगेदर इन ए कैलोरीमीटर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, एज्यूम ये आपको दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर टू बी नेग्लिजिबल, यानी वाटर जो कैलोरीमीटर है वो किसी प्रकार की हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ आइस एंड वाटर आर 0.5 एंड 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो आपके पास आइस है 5 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइस है तो माइनस 20 से ध्यान से देखना, देखो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 ग्राम जो आइस है, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में देखो ध्यान से ये क्या होती है भी मेल्ट होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 5 ग्राम वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इस प्रोसेस में अगर अपने को यहाँ पे हीट की कैलकुलेशन करनी है तो ये आपके पास हीट बराबर कितना देगी भी, इसको अपन निकाल सकते हैं एम एस डेल्टा टी, तो एम कितना देगा भी 5, आइस के लिए एस कितना होता है अभी 0.5, और डेल्टा टी कितना देगा, डेल्टा टी माइनस 20 से 0 जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे 20, और इसके बाद में एक तो ये हो गया और प्लस इसके बाद इसको अपन क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अभी फेज कन्वर्जन हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा एम एल, तो एम कितना देगा 5, एल कितना देगा आपके पास 80 आ जाएगा अभी। तो सॉल्व करते हैं कितना देगा, ध्यान से देखना, देखो ये बन जाएगा आपके पास में 10 इंटू 5 कितना देगा 50, तो इसको अपन बोलेंगे 450, ठीक है ना, 450 कैलोरी हीट चाहिए इस काम के लिए। तो बात सुना भी, अगर इस आइस को आप मेल्ट करवाना चाहते हैं, पूरी आइस को मेल्ट करवाना चाहते हैं तो टेम्परेचर, तो कितनी हीट आपको चाहिए होगी भी 450 कैलोरी। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, 5 ग्राम पानी किसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जो वाटर है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जो 5 ग्राम वाटर है उसको बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के आ जाओ आप, ठीक है ना, ये कितनी हीट देगा ध्यान से देखना, देखो तो यहां से आपको कितनी हीट प्राप्त हो सकती है भी, एम एस डेल्टा टी, तो Q बराबर कितना देगा M, M कितना देगा 5, पानी के लिए S बराबर कितना होता है 1 होता है, और डेल्टा D कितना देगा 30 से 0 आ रहा है, तो ये कितना देगा आपके पास 30 हो जाएगा, तो 50 इन 5 इंटू 30 कितना देगा 150 कैलोरी हीट हो गई भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये वाली हीट कितनी हो जाएगी, ये वाली हीट कितनी हो जाएगी भी, ये वाली हीट हो जाएगी आपके पास में कितनी 50, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से देखो, इस काम के लिए कितनी हीट खर्च होगी बताओ, इस काम के लिए हीट ये वाली होगी, ठीक है ना, तो ये तो कितनी हो जाएगी ध्यान से देखना, देखो 50 कैलोरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 50 कैलोरी, तो 150 कैलोरी में से 50 कैलोरी तो ये क्या कर लेगा भी एब्जॉर्ब कर लेगा इस काम के लिए,
अब बच गई कितनी हीट बताओ, 100 कैलोरी। अब अगर आप पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करवाना चाहते हैं तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी भी, आपको देनी पड़ेगी कितनी, 400 कैलोरी। बट आपके पास तो 100 कैलोरी हीट ही बची है, तो क्या ये 100 कैलोरी हीट पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करवा देगी क्या? नहीं। तो ध्यान से देखना, तो इस स्थिति में ये जो आइस है इसकी पार्शियल मेल्टिंग होगी, यानी पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास, अल्टीमेटली 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब आपको बोल देते कि कितनी आइस मेल्ट होगी, तो आप निकाल सकते हैं कि हीट कितनी बची, अभी 150 थी, इसमें से 50 है वो तो यहाँ से यहाँ तक खर्च होगी, इतनी हीट आपके पास बची, और क्यू बराबर कितना देगा, एम एल, तो एम डेज लिख दो, और एल कितना देगा आपके पास, 80 हो जाएगा। तो एम डेज बराबर कितना देगा भी, 100 अपॉन कितना देगा, 80, ठीक है ना, और 100 अपॉन 80 कितना देगा आपके पास, 1.25 ग्राम। तो भैया जो 5 ग्राम आइस थी उसका 1.25 ग्राम है वो तो मेल्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग 3.75 ग्राम ऑफ आइस है वो अनमेल्टेड रहेगा, यानी वो बिल्कुल भी पिघलने वाला नहीं है। तो मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास, है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधा करेक्ट आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है कैलोरीमेट्री का। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं भाई क्या करे, देखना ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या करे ध्यान से, इन द सर्किट शोन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर आइडेंटिकल एंड सोर्स हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, द सर्किट इज इन रेजोनेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या कह रहा है ध्यान से भाई, सर्किट इज इन रेजोनेंस, सर्किट रेजोनेंस में होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि XL और XC दोनों क्या है भी, बराबर है, VL और VC बराबर है, तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, बात सीधी सी ये। पहला कह रहा है इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर करंट विल लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, आयरन रोड इंसर्ट कर दी, आयरन रोड इंसर्ट कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवा दी। चलो दोनों का इफेक्ट अपन चेक कर लेते हैं, चलो खाली फेज पर चलते हैं फिर अपन। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है भी, ये क्या देगा आई, ये वी आर हो जाएगा, ये वी एल है, ये वी सी है, आई एक्स एल, आई एक्स सी, ये आई आर हो जाएगा, आई एक्स एल को अपन क्या बोलेंगे, ओमेगा एल, आई एक्स सी को अपन क्या बोलेंगे, 1/ओमेगा सी, सी बराबर क्या होता है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ये तो सी नॉट हो गया। अब बात सुना भी, यहां पर आपके पास है सी एम बराबर क्या होता है अभी, के इंटू सी नॉट होता है। अगर आप जैसे ध्यान से देखना, देखो डाई इलेक्ट्रिक स्लेब है, अगर यहां पर आपने इसके अंदर इस प्रकार से यूं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्टेड करवा दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवा दी, तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ध्यान से देखना, देखो सी अगर बढ़ गया तो अपन जानते हैं कि एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो सी बढ़ जाएगा तो एक्स सी घट जाएगा, एक्स सी घट जाएगा तो इस स्थिति में जो वी सी है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बात सुना भी, वी सी अगर घट जाएगा तो ये छोटा और ये बड़ा, तो इस स्थिति में नेट वोल्टेज है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, और नेट वोल्टेज अगर ऊपर की तरफ आ गई ना, तो इस स्थिति में करंट अब वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, तो इस स्थिति में करंट क्या हो जाएगी आपकी, बैकवर्ड हो जाएगी भी, बैकवर्ड हो जाएगी, और वोल्टेज अब वो क्या देगी आपके पास में, फॉरवर्ड हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अपन ईएमआई वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं कि एल एम बराबर क्या होता है, एल नॉट इनटू क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो ये होता है आपके पास में एल बराबर क्या होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये एल एम बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू आर इनटू क्या होता है आपके पास, एल नॉट होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखना, देखो आयरन रॉड इंसर्ट करवा दी, तो भैया आपका जो म्यू आर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
जिससे एल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एल बढ़ने से आपका एक्स एल बढ़ जाएगा, और एक्स एल बढ़ने से आपका जो वी एल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो वी एल अगर आपका फिर से बढ़ गया तो इस स्थिति में आपकी जो वोल्टेज है वो करंट से क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड, और करंट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि चाहे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा दिया और चाहे आपने आयरन रोड को इंट्रोड्यूस करवा दिया, दोनों ही केसेस के अंदर एक में वीएल बढ़ रहा है एक में वीसी घट रहा है। तो दोनों ही केसेस के अंदर ध्यान से देखना, देखो वोल्टेज है वो करंट से क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, और करंट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। अब चलो अपन पीछे चलते हैं, तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठने वाला, ध्यान से देखना। देखो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए डायलैक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर करंट विल नाउ लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। बिल्कुल यही ठीक हो गया, करंट अब वो क्या करेगी, लैग करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो इफ एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर करंट विल नाउ लीड द अप्लाइड वोल्टेज। नो, करंट लैग करेगी इस केस में भी, वोल्टेज लीड करेगी। इफ एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर करंट विल बी सेम फेज। नो, सेम फेज का तो मतलब ही नहीं है। इफ ए डायलैक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर करंट विल नाउ लीड द वोल्टेज। नो, करंट लीड नहीं करेगी, वोल्टेज लीड करेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अभी समझ गए बात आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर दैट टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2, E1 ग्रेटर देन E2, कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर व्हेन बोथ सेल्स आर इन सीरीज इन सेम सेंस। भाई सेम सेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास E1 प्लस E2 हो जाएगा, और व्हेन बोथ सेल्स आर इन सीरीज इन सेम सेंस देन बैलेंसिंग लेंथ इज 0.8, बट व्हेन सेल्स आर इन अपोजिट सेंस इन सीरीज देन बैलेंसिंग लेंथ इज 0.2 मीटर। तो ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि आपके पास में जो वी होता है, जो V होता है वो किसके बराबर होता है, X इंटू L के बराबर होता है। सबसे पहले जब दोनों सेम सेंस में होंगे तो भैया E1 प्लस क्या हो जाएगा, आपके पास E2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, X L1, L1 कितना हो जाएगा आपके पास में, 0.8 आ जाएगा। भाई दूसरे केस में जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में हो जाएंगे तो E1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, E2 बराबर क्या हो जाएगा, X, L कितना हो जाएगा भाई, L हो जाएगा आपके पास में 0. कितना देर का भी ये हो जाएगा, पहले तो कितना था, वेन बोल 0.8 और फिर उसके बाद 0.2 हो जाएगा भी, इसको अपन बोलेंगे 0.2 बोल देंगे। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 बराबर 0.8 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है 0.2 बराबर क्या हो जाएगा 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भी, E1 प्लस E2 बराबर 4E1 माइनस क्या देगा आपके पास 4E2 देगा। इसके बाद आंसर देखना, देखो 3E1 बराबर क्या हो जाएगा, 3E1 बराबर कितना देगा, 4 प्लस 1 कितना देगा, 5E2 देगा। तो यहां से आपके पास E1 अपॉन E2 बराबर कितना देगा, 5/3, तो 5/3 आ जाएगा अभी। E1 upon E2 क्या देगा, 5/3, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवदान से ये कह रहा है, कंटेनर एक्स हैज वॉल्यूम डबल दैट ऑफ द कंटेनर वाई। ये आपके पास है कंटेनर एक्स हो जाएगा, और ये आपके पास है कंटेनर इस प्रकार से वाई हो जाएगा। इसका ध्यान से देखना, देखो जो वॉल्यूम है वो कितना देगा भी, वी, और इसका वॉल्यूम कितना देगा आपके पास है, 2V हो जाएगा। दोनों को आपने एक ट्यूब की हेल्प से इस प्रकार से यू जोड़ रखा है, ठीक है ना, बोथ कंटेंट सेम आइडियल गैस, द टेम्परेचर ऑफ एक्स इज कितना देगा आपके पास, इसको अपन बोल देंगे 200 केल्विन पे, और इसको अपन कितने पे रखते हैं अभी, 400 केल्विन पे रखते हैं। एक्स के अंदर मास कितना देगा अभी, गैस का एम हो जाएगा, तो इसके अंदर मास कितना देगा, एम डेस हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो देखो एक चीज आपको बताता हूं मैं, दोनों की अगर अपन हीटिंग करेंगे तो मतलब इसकी गैस इसके अंदर, इसकी गैस इसके अंदर भागेगी, तो अल्टीमेटली इसका प्रेशर भी कितना देगा, पी, और इसका प्रेशर भी कितना देगा, पी हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो सेट करना पड़ेगा।
तभी दोनों के बीच में गैस का फ्लो रुकेगा, अदरवाइज तो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती रहेगी। तो अपन जानते हैं कि पी वी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एन आर टी लिख दो आप, तो पी वी का पी वी हो जाएगा, एन को अपन क्या लिख देंगे भी, मास अपॉन क्या देगा मोलिकुलर वेट इंटू क्या देगा आर टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है जो एम है, एम बराबर कितना देगा पी वी इंटू क्या देगा मोलिकुलर वेट अपॉन आर टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बराबर हो जाएगा, गैस सेम है तो मोलिकुलर वेट भी सेम हो जाएगा, आर भी सेम हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा वी अपॉन टी। तो इसको अपन बोलेंगे, ध्यान से देखना, देखो एम डेस अपॉन क्या देगा एम बराबर, एम डेस किसके लिए हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए कितना देगा आपके पास वी अपॉन टी कितना देगा 400, और इसके बाद इसका वॉल्यूम कितना देगा 2V, टेम्परेचर कितना देगा आपके पास बताओ 200 देगा, कितना देगा 200, ठीक है ना। तो वी से वी को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4, 1/4, तो यहाँ से आपके पास जो एम डे सब वो क्या हो जाएगा एम बाई फोर, आंसर हो जाएगा आपके पास एम बाई फोर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा। समझ गए बात आप। 22 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23। ये क्या करें अभी, थ्री रॉड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन जॉइंड एज शोन इन द फिगर, ईच रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ, द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एट 0 degree, डायग्राम में दिखा रखा भी द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ थ्री रॉड्स विल बी, जंक्शन का आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। मान के चलेगा यहाँ का टेम्परेचर कितना देगा अभी टी हो जाएगा, समझ गए। अब बस ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी कर रखा है भाई, उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अभी भी करवाया था आपको, इधर की तरफ हीट आ जाएगी कितनी भी, मान लो कि इधर की तरफ जो थर्मल करंट है, इधर की तरफ जो थर्मल करंट है वो कितने देगी I1, इधर की तरफ थर्मल करंट कितना देगी I2, और इधर की तरफ थर्मल करंट कितना देगी आपके पास I3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आने वाली थर्मल करंट कितना देगी I1 + I2 + क्या देगा आपके पास I3, जाने वाली कितनी हो जाएगी 0 देगी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन जानते हैं कि I बराबर क्या होता है आपके पास ΔV/R, तो यहाँ पर कितना देगा आपके पास ΔT/R हो जाएगा। R बराबर कितना देगा भी, R बराबर देगा आपके पास L/KA। तीनों रोड्स की लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो इसके लिए ΔT बराबर कितना हो जाएगा, ΔT बराबर कितना हो जाएगा भी 0 - T अपॉन कितना देगा R प्लस, इसके लिए कितना देगा भी 90 - कितना देगा T अपॉन R, और प्लस इसके लिए कितना देगा भी 90 - T अपॉन में R बराबर क्या देगा 0 देगा। तो R को अपन कॉमन लेकर के 0 के हवाले कर देंगे, तो यहां से कितना देगा आपके पास माइनस का T प्लस कितना देगा आपके पास 90 - का T प्लस कितना देगा भी 90 - क्या देगा आपके पास T बराबर क्या देगा 0। 90 कितना देगा 180, और माइनस का 3T उधर जाकर के क्या देगा आपके पास प्लस का 3T, तो ध्यान से देखना देखो T बराबर कितना देगा आपके पास में 60 degree centigrade, 60 degree centigrade, यानी आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। अभी जैसे अपन ने सर्किट के अंदर मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से यहां पर भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या करें। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SSM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y = 10 sin 2 φ t + π/6 m, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t = 5 सेकेंड। तो सबसे पहले t = 5 सेकेंड अपन पुट कर देते हैं, y = कितना देगा 10 sin 2 φ + कितना देगा आपके पास है π/6 हो जाएगा। तो बराबर कितना देगा आपके पास है 10 sin, ये देगा आपके पास है 10π प्लस क्या देगा आपके पास है π/6। 10π ये वो क्या हो जाएगा अभी 2π का इंटीजर हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हो, तो ये देगा आपके पास है 10 sin π/6। π/6 कितना होता है 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना देगा आपके पास है 5 मीटर देगा, कितना देगा 5 मीटर।
v बराबर क्या होता है आपके पास, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एस एच एम का इक्वेशन है जानते हो आप, ओमेगा कितना हो जाएगा आपके पास, और 2 पाई है रूट ऑफ ए कितना देगा अभी 10, 10 का स्क्वायर कितना देगा 100 माइनस वाई कितना देगा 5, 25 आ जाएगा अभी, सही बात है। तो 2 पाई इसके बाद में 100 माइनस 25 कितना देगा 75 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 75 को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 3 तो 5 रूट 3 बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे 5 रूट 3 आ जाएगा अभी। तो 5 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 10 पाई, इसके बाद इसको अपन क्या बोलेंगे रूट 3 बोलेंगे, तो ये कितना देगा आपके पास 31.4 और रूट 3 कितना होता है आपके पास 1.73 होता है, सही बात है क्या। तो चलो भाई इसको सोल्व कर देते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखना देखो 31.4 इंटू रूट 1.73 तो 31.4 इंटू 1.73 इक्वल्स टू 54.3 आ रहा है अभी। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 54.3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन क्या करें ध्यान से देखना देखो, टू पार्टिकल्स विद सेम मास मूविंग एट 60 डिग्री टू ईच अदर हैव डी ब्रोगली वेवलेंथ एज लेमडा वन एंड लेमडा टू, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एज सीन बाय सेकेंड इज, बात सुनना भी। देखो सीधी सी बात यह कि एक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी वन और एक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी टू देगी, तो ध्यान से देखना देखो यहाँ से आपके पास जो वी रिलेटिव है, वी रिलेटिव क्या हो जाएगी भी क्या हो जाएगी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एज सीन बाय सेकेंड, तो बराबर क्या देगा आपके पास v2 वेक्टर माइनस क्या देगा v1 वेक्टर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, यह देगा आपके पास v1 स्क्वायर प्लस क्या देगा v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा कितना देगा अभी 60, और इसका अपन क्या कर देंगे भी रूट कर देंगे, तो बराबर क्या देगा आपके पास v1 स्क्वायर प्लस क्या देगा v2 स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस क्या देगा आपके पास वी वन वी टू इसकी पावर क्या देगी 1/2। इसके बाद ध्यान से देखना देखो अपन जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन एम वी होता है, तो यहाँ से आपके पास लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास वी, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा बेटा लेमडा देगा, तो वी को लेमडा से रिप्लेस कर देंगे, तो वी रिलेटिव को अपन क्या बोलेंगे अभी लेमडा रिलेटिव, सॉरी वी रिलेटिव को अपन क्या बोलेंगे अभी 1/λ रिलेटिव बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे 1/λ रिलेटिव बराबर वी वन स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1/λ1 स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास 1/λ2 स्क्वायर माइनस 1/ यह देगा आपके पास λ1 λ2 और इसके बाद इसकी पावर क्या देगी भी 1/2 देगी बराबर। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या देगा आपके पास λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर, इसके बाद इसको अगर अपन लेमडा वन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा लेमडा टू स्क्वायर, तो यह देगा लेमडा वन स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास लेमडा टू स्क्वायर माइनस लेमडा वन लेमडा टू, ये आ गया भाई। और अगर अपन ध्यान से देखना देखो इसकी पावर क्या हो जाएगी भी 1/2 आ जाएगी, तो यहां से अगर अपन लेमडा रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं तो उल्टा कर दो तो इसका तो रूट कितना देगा लेमडा वन लेमडा टू और अपॉन यह देगा लेमडा वन स्क्वायर प्लस क्या देगा लेमडा टू स्क्वायर माइनस लेमडा वन लेमडा टू और इसकी पावर कितना देगी भी 1/2 यानी इसका रूट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट जा रहा है ना। अब देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी आपको नीट के लिए करनी पड़ेगी अगर आपको नीट का एग्जाम करेक्ट करना है तो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं अपन फिर। क्या कह रहा है ध्यान से देखना देगा, इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर द बेस करंट आई बी कुछ टू कितना देगा 2 माइक्रो एम्पियर, एल्फा बराबर कितना देगा 0.9, देन फाइंड वैल्यू ऑफ आई सी, बात सुनना भी। देखो एल्फा बराबर क्या होता है, एल्फा बराबर होता है आपके पास आई सी अपॉन आई ई, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट क्या करना है अभी, आई सी कैलकुलेट करना है, इसको अपन लिख सकते हैं आई सी का आई सी अपॉन
आई ई बराबर क्या होता है आई बी प्लस क्या होता है आपके पास आई सी होता है, ठीक है ना, बराबर कितना देगा आपके पास है 0.9 हो जाएगा अभी। तो यहां से आपके पास जो आई बी है वो कितना देगा 2 माइक्रो एम्पियर हो देगा, तो आई सी अपॉन कितना देगा 2 प्लस आई सी बराबर कितना देगा 0.9, क्या इसको अपन बोलेंगे 9/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देगा 10 आई सी बराबर कितना देगा 9/18 प्लस क्या देगा आपके पास 9 आई सी हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आई सी बराबर कितना देगा अभी 18 माइक्रो एम्पियर, सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड है भी। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं एल्फा को अपन बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन होता है और फिर वहां से बीटा बराबर क्या होता है बीटा के फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली आईसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 18 माइक्रो एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट उदाहरण से क्या करें, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अभी क्या करें। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर विद स्पीड गिवन बाई v equals to 40, the net force on the particle makes an angle 45 degrees with the radius. बात सुना अभी, particle इस प्रकार से u circle पर घूम रहा है, तो net force मतलब इस पर इधर की तरफ तो कौन सा force लगता है बताओ, इधर की तरफ acceleration हो जाएगा ac और इधर की तरफ acceleration कितना देगा भाई 80 और 45 degree कब होगा भाई, ये आपके पास ना जब a ये 45 degree कब बनाएगा जब ac और 80 क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, AC बराबर तो क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R और AT बराबर क्या होता है DV अपॉन DT। V कितना देगा 40 तो 16 T स्क्वायर अपॉन R कितना हो जाएगा भी 4 बराबर DV अपॉन DT कितना देगा भी 4 हो जाएगा, तो 16 T स्क्वायर बराबर कितना देगा 16 तो T स्क्वायर बराबर कितना देगा 1 तो t बराबर कितना देगा आपका 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन और टेंजेंशियल एक्सलरेशन का नॉलेज होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई ये भी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं, क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। टू बॉयज ए एंड बी ऑफ मासेज 40 kg एंड 60 kg आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए प्लैंक ऑफ मास 20 kg and length 6 meter. The plank is placed on the frictionless horizontal surface. Now A and B interchange their positions. Then displacement of the plank will be. लो जी, ये तो आपके पास इस प्रकार से कोई प्लैंक है। अब इस प्लैंक का मास कितना देगा अभी 20 kg और लेंथ कितना देगी 6 meter. तो ये तो देगा आपके पास 20 kg और लेंथ कितना देगी अभी 6 meter. एक तो लड़का खड़ा है यहाँ पर A, ये तो चला जाता है इस प्रकार से इधर की तरफ, एक लड़का ध्यान से देखना देखो खड़ा है इस प्रकार से यहां पे, बी नाम है इसका, ये इसकी पोजीशन पे चला जाता है। ए का जो मास है वो कितना देगा भी 40 और बी का जो मास है वो कितना देगा भी 60 हो जाएगा। ज्यादा मास इधर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रो मास की पोजीशन को एज इट इज रखने के लिए ये इधर की तरफ एक्स शिफ्ट हो जाएगा। अब बात सुना भी, जो ए है वो इधर की तरफ कितना जाता है, इधर की तरफ, ए इधर की तरफ खुद कितना चल के जाता है भी 6 और प्लैंक इसको एक्स खुद अपने साथ ले जाता है, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा इसका एक्स हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। बी का इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ध्यान से देखना देखो, बी इधर की तरफ कितना चलता है 6 चलता है बट प्लैंक अपने साथ वापस इसको एक्स ले जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास है 6 - x। अब सबसे पहले देखो इधर की तरफ कौन कौन जा रहा है, इधर की तरफ एक तो ये ए जा रहा है और ये प्लैंक जा रहा है, तो ए का मास कितना देगा अभी 40 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है 6 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस प्लैंक का मास कितना देगा अभी 20 डिस्प्लेसमेंट कितना देगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्स हो गया। तो ये तो राइट हैंड साइड का एम एक्स हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है केवल 60 आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 60। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका बताओ 6 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा अभी 6 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 कितना देगा 12 प्लस क्या देगा आपके पास 2x, इसके बाद प्लस क्या देगा एक्स बराबर ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 6 कितना देगा आपके पास 18 माइनस क्या देगा आपके पास 3x आ जाएगा अभी।
माइनस थ्री एक्स इधर की तरफ आ जाएगा, तो थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा सिक्स एक्स, बराबर 18 माइनस 12 कितना देगा 6, तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना देगा 1 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो यह है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। चलिए भाई सीधा अपन आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बातें बहुत सारी हो चुकी है। ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट हाइट h इक्वल टू कितना देगा 2r फ्रॉम अर्थ सर्फेस व्हेन r इज रेडियस ऑफ अर्थ। The speed by which the particle is to be projected so that it can escape from the gravity of earth will be। लो जी बहुत आसान है, देखो ध्यान से भैया, आपके पास में s के velocity कितना होता है अभी 2gm upon r का root, 2gm upon r को बोल सकते हैं r plus h, 2gm upon r plus h, h कितना देगा 2r, तो r plus 2r बराबर कितना देगा 3r, 2 by कितना देगा 3r, gm को अपन क्या बोल सकते हैं भी gr square, रूट हो गया, तो बराबर कितना देगा आपके पास 2gr by 3 का रूट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट हो जाएगा। अभी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बढ़ो सीधा आगे आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन सेम पाथ सेम टाइम फील्ड, पार्टिकल क्रॉस टू ईच अदर एट पोजीशन एक्स इज टू रूट थ्री बाई टू इन अपोजिट डायरेक्शंस, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी, दोनों पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भी। भाई एक्स बराबर कितना देगा आपके पास रूट थ्री बाई टू, x बराबर क्या देगा आपके पास a साइन, यह देगा आपके पास है फाइ, और x बराबर कितना देगा आपके पास रूट थ्री ए बाई टू आ गया। अभी यहां से आपके पास है साइन फाइ बराबर कितना देगा आपके पास रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, तो फाइ बराबर कितना देगा, एक तो देगा आपके 60 डिग्री, ठीक है, और एक ध्यान से देखना तो एक कितना देगा आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा अभी, ठीक है ना। चेक कर लो चल, साइन 120 बराबर कितना होता है साइन 90 प्लस 30, तो कॉस 30, और कॉस 30 बराबर कितना होता है रूट थ्री बाई टू होता है, ये आ गया। तो पहले पार्टिकल की जो फेज है फाइव वन बराबर कितना देगा 60, दूसरे पार्टिकल की फेज कितना देगा आपके पास 120, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बराबर कितना देगा 120 माइनस क्या देगा 60 बराबर 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो क्या करे। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विच स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय, रेस्ट से स्टार्ट करता है यानी यू बराबर जीरो है, ग्राफ शोन इन फिगर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो बात सुनना अभी, यहां से लेकर के यहां तक का जो एक्सेलरेशन है वो तो क्या देगा अभी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो देगा, तो यहां से लेकर के जीरो से लेकर के फाइव तक ए बराबर क्या देगा ए बराबर क्या देगा अभी ए बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से लिख सकते हैं, तो एम कितना देगा आपके पास मतलब 4/5, तो 4/5 इंटू क्या देगा आपके पास टी, या आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी भी। ए बराबर क्या होता है आपके पास ध्यान से देखना, तो डीवी अपॉन डीटी आ जाएगा, तो यहां से आपके पास डीवी बराबर कितना देगा अभी 4/5 इंटू क्या देगा आपके पास डीटी, इसके बाद इसका अपन क्या कर देंगे भी इंटीग्रेशन कर देंगे। टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितना देगी जीरो, और टी बराबर टी पर वेलोसिटी कितना देगी वी, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो डीवी का क्या देगा वी, वी माइनस जीरो, तो ये तो आपके पास वी बन गया बराबर, यह दिया जाएगा आपके पास 4/5, और टी का क्या होता है ध्यान से देखना, देखो ये होता है आपके पास टी स्क्वायर बाई टू होता है, क्या होता है टी स्क्वायर बाई टू होता है, सॉरी हाँ ये 4t/5 था ना t/5, तो यहां पर अपन टी भी मान लेंगे भी, यहां पर अपन थोड़ा सा इसको ये देखा आपके पास है 4t/5
फाइव इंटू क्या देगा, डी टी देगा भी, ये चीज होगी। तो 4/5 टी का क्या देगा आपके पास, टी स्क्वायर बाई टू देगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं 2t² / 5 आ देगा भाई। ये तो आपके पास v आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसे देखो v को अपन क्या लिख सकते हैं, v को अपन लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो यहां से आपके पास जो ds है वो ds बराबर कितना देगा भी, ये देगा आपके पास 2t² / 5 इंटू क्या देगा आपके पास dt। और इसके बाद में दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, t बराबर 0 पर s बराबर भी 0, और t बराबर ध्यान से देखना, देखो t पर s बराबर कितना देगा, s हो देगा। तो s बराबर कितना देगा ध्यान से देखना, देखो 2/5 का 2/5, और t स्क्वायर का कितना देगा आपके पास है, ये देगा आपके पास है t³/3। तो 5 × 3 कितना देगा, 15 हो जाएगा अभी, कितना देगा 15 हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक की बात करनी है आपको, यहां से लेकर के यहां तक की, तो यहां पर t बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो t बराबर इसके अंदर अपन 5 फुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/15, और t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो 5 × 5 × कितना देगा आपके पास 5 हो जाएगा। एक 5 से अपन क्या करेंगे भी, इस 5 से अपन इस 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना देगा आपके पास 3। तो कितना बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो 5 × 5 = 25 × 2 = 50, 50 / कितना देगा 3 आ देगा, ठीक है ना। तो 50 / 3 कितना देगा भी, यह देगा आपके पास 16.6 मीटर, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेकर की यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी, 16.6 आ देगी। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी अपने पास ये रही 2t² / 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो ये जो वेलोसिटी है ये कितना देगा आपके पास 2t² / 5 देगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2/5 t² 25 आ जाएगा, तो ये कितना देगा आपके पास 10 आ जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक की जो वेलोसिटी है वो तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ध्यान से भाई सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक अपन क्या कर सकते हैं अभी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अपन लगा सकते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक इसके लिए ध्यान से देखना, देखो s बराबर कितना देगा ut, यहां पे u कितना देगा बताओ 10 × t, t कितना देगा t 5 से लेके 10, 5 सेकंड प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, ए कितना देगा आपके पास 4 × t² यहां से यहां तक कितना देगा 5, कितना देगा 25 हो जाएगा। 10 और 5 कितना देगा 50, प्लस ये कितना देगा आपके पास बताओ 50 बराबर कितना देगा 100 मीटर। 100 मीटर तो ये हो गया, और 16.6 ये हो गया, तो 116.6 मीटर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना, तो इसकी अप्रोच एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा, अभी वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में रिलेशन अपन ने निकाल लिया, ये रहा। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर यहाँ से टाइम की वैल्यू फुट कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टाइम की वैल्यू फुट कर दोगे तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर अपन ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो जीनियस स्टूडेंट है अभी। देखो पेपर के अंदर एक दो अच्छे क्वेश्चन तो आते ही हैं अभी, ये तो कन्फर्म मान के चलिएगा। और अब की बार आपको नीट के अंदर ऑप्शन भी मिलेगा लास्ट के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से अच्छे क्वेश्चन और मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ रुक करते हैं। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, देखो ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30° विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, नाउ ही स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h, ठीक है ना। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड एट 30° विद वर्टिकल द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इच। सुनना ध्यान से देखना, देखो ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, आदमी जब खड़ा है तो बारिश ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से इधर की तरफ यूं जा रही है, ये तो देगा आपके पास वी आर, ठीक है ना,
पहले इसको अपना अम्ब्रेला इस प्रकार से इधर की तरफ रखना पड़ रहा है, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री। अब ये आदमी अपनी स्पीड किससे बढ़ा लेता, अभी कितनी कर लेता है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 से दौड़ने लग जाता है आदमी। तो ये आपके पास में देगा वी आर वी एम, ये देगा आपके पास में वी एम वी एम बराबर 10। तो फिर से ध्यान से देखना, देखो अब जो रेन ड्रॉप्स है ये इधर की तरफ आ जाएगी, ये देगा आपके पास वी आर एम, ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री देगा भी, ठीक है ना। तो अब इस आदमी को अपना जो छाता है वो इस प्रकार से इधर की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, अभी ये पूछा जा रहा है, तो बहुत इजीली अपन पता कर सकते हैं भाई, ये वाला एंगल कितना देगा 30, ये वाला कितना देगा 30, तो ये वाला एंगल कितना देगा 60, तो ये भी कितना देगा 60, ये भी कितना देगा 60, ये वाली साइड कितनी 10, तो ये भी कितना देगा 10, और ये भी कितना देगा आपके पास है 10, तो एक्चुअल स्पीड कितना देगी आपके पास है 10। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधा करेक्ट चला जाएगा। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम सही तरीके से बना दिया तो बस काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ए पार्टिकल पासेस फ्रॉम 2.5 P Q हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाई बराबर क्या होता है आपके पास एक्स टेन थीटा, वन माइनस क्या होता है आपके पास एक्स अपॉन आर। तो पहले पॉइंट के लिए y कितना देगा आपके पास बताओ 3 बराबर x कितना देगा 5, tan थीटा 1 माइनस x कितना देगा 5 by r। और दूसरे पॉइंट के लिए ध्यान से देखना, देखो y बराबर कितना देगा आपके पास 5 बराबर कितना देगा 10, tan थीटा 1 माइनस x by r, तो कितना देगा आपके पास 10 by r आ जाएगा बराबर कितना देगा आपके पास 5 tan थीटा r माइनस 5 अपॉन क्या देगा आपके पास r बराबर कितना देगा 10 tan थीटा r माइनस 10 अपॉन क्या देगा r। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/5 बराबर, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/10, tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा r माइनस 5 और नीचे क्या देगा आपके पास r माइनस 10। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे 5 से अपन 10 को कैंसिल आउट कर देंगे कितनी बार 2 टाइम्स, ठीक है ना, तो 2 बार कैंसिल आउट कर दिया तो ये कितना देगा आपके पास 3 × 2 कितना देगा भी 6, तो 6/5 इक्वल टू क्या देगा r माइनस 5 अपन क्या देगा r माइनस 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा आपके पास 5r, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस कितना देगा आपके पास 25 इक्वल टू क्या देगा आपके पास 6r माइनस क्या देगा 60, तो यहाँ से आपके पास ध्यान से देखना, देखो r बराबर कितना देगा आपके पास 35 मीटर आ रहा है अभी 35 मीटर, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री उसको दो बार आपको काम में लेना है अभी, ठीक है ना, और दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर देना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। ये कह रहा है कि द सर्किट शोन कंटेन्स टू डायोड्स ईच विद ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड विद इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस इज। अब बात सुनना भाई, देखो सबसे पहली बात है कि जो फॉरवर्ड ये बैटरी का प्लस हो जाएगा, ये बैटरी का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला जो डायोड है वो तो क्या देगा आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और ये वाला जो डायोड है वो क्या देगा रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो कितना हो जाएगा अभी इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच के अंदर तो किसी प्रकार की करंट आने से रही, तो यहाँ पे तो करंट कितना हो जाएगी 0 देगी। तो बैटरी से जो भी करंट निकलेगी इस प्रकार से यूँ होते हुए इस डायोड से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए वापस बैटरी के अंदर चली जाएगी। अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर नेट की, बात करते हैं अभी करंट के रास्ते में कितना मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस अपन कितना मान के चलते हैं अभी 50 ओम, तो 50 हो गया प्लस ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास 150, ठीक है ना, और प्लस
इधर से अगर आ जाएंगे तो ये कितना देगा आपके पास 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया, तो कितना देगा आपके पास 200 प्लस 100 कितना देगा आपके पास 300 ओम। आई इक्वल टू क्या होता है अभी, वी अपॉन आर नेट होता है, तो वी कितना देगा आपके पास है 6 अपॉन आर नेट कितना देगा आपके पास है 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल देंगे अभी 2 × 10⁻², तो 0.02 एम्पियर, तो 0.02 एम्पियर यानी सेकेंड ऑप्शन इसका आपके अंदर आपका करेक्ट आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा अभी। तो आपको किसके अंदर करंट पूछी जा रही है, आपको 100 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट पूछी जा रही है, तो इसके अंदर जो करंट है वो कितनी हो जाएगी भी पूरी 0.02 एम्पियर हो जाएगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। कई बार अपने को ऐसे पूछ लिया जाता है कि करंट इन 50 ओम रेजिस्टेंस, अब अपने को तो करंट निकालने की आदत होती है, करंट अपन कैलकुलेट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो भी आंसर आता है वो अपन टिक कर देते हैं, जबकि यहाँ पे 50 ओम है उसके अंदर करंट है वो कितनी हो जाएगी 0 देगी। तो अगर 50 ओम के अंदर करंट पूछी जाए तो 0 देगी, 100 ओम में करंट पूछी जाए तो 0.02 हो जाएगी, और 150 के अंदर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी बताओ 0.02 हो जाएगी। D1 में से कितनी हो जाएगी 0.02, और ध्यान से देखना देखो यहाँ पर आपके पास जो डायोड D2 है इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी 0 देगी, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन अपना आंसर सेट कर देंगे। चलिए बच्चों इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कर रहा है अभी, ए स्ट्रेस्ड वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकंड विद ए ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है ना। नाउ द टेंशन इन वायर इज इंक्रीज बाय 21% एंड अगेन 5 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ध्यान से देखना देखो, जो फ्रिक्वेंसी होती है एन इक्वल टू क्या होता है अभी 1/12, इसके बाद रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई क्या होता है आपके पास म्यू होता है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ टी हो जाएगा अभी। अब टेंशन को आपने 21% से बढ़ा दिया तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एन टू अपॉन क्या देगा आपके पास एन वन बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1.21 टी अपॉन क्या देगा आपके पास टी, इसका अपन क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो 1.21 का रूट कितना हो जाएगा आपके पास 1.1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 11 / 10 कर देंगे, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना देखो, 11 / 10 हो गया ये तो फ्रीक्वेंसी। अब बात सुनना भी मान के इसलिएगा, जो आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी एन है, तो पहले भी 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था तो एन प्लस 5 बोल दो इसको आप, और इसको अपन क्या बोलेंगे एन माइनस 5 बोल देंगे। भाई पहले ध्यान से देखना देखो, वायर की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या थी मान के इसलिएगा, पहले वायर की फ्रीक्वेंसी क्या थी इस प्रकार से कम थी और अब क्या हो जाएगी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 11n, इसके बाद माइनस कितना देगा आपके पास है 55 इक्व टू 10n प्लस कितना देगा आपके पास है 50, और इसके बाद में n बराबर कितना देगा आपके पास 105 आ जाएगा, तो n बराबर 105 यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा। अभी समझ गए बात आप, भाई मतलब वायर है उस वायर के अंदर टेंशन अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी वायर की कितनी थी एन माइनस 5 थी, और अब कितनी हो जाएगी एन प्लस 5 हो जाएगी। बट ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मान के इसलिएगा एन है, पहले वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी बताओ एन माइनस 5, अब वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी एन प्लस 5 हो जाएगी। तो पहले भी डिफरेंस कितने का था 5 का था, और अब भी जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा, ठीक है ना। पहले टेंशन कितना था टी था, अब टेंशन कितना देगा आपके पास 1.1 × क्या देगा टी देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका सोल्व होता है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो देखिए अब 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान से देखना देखो, सेक्शन बी मैक्सिमम मार्क्स कितने 40 है, दिस सेक्शन कंटेंस 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चंस यू कैन चूज एनी 10 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, you will be awarded 4 marks for correct answer and minus 1 marks for incorrect answer, unanswered unattended questions will be given 9 marks। तो भैया 15 क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 आपको छोड़ने हैं, उनको टच ही नहीं करना आपको, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन आपको वही करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हो, तो ये तो देखो मजे वाली बात है ना, मतलब 5 क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर ए पर्सन इज स्टैंडिंग नियर ए रेलवे ट्रैक,
द रेशियो फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व बाई पर्सन बिफोर कमिंग एंड आफ्टर गोइंग द ट्रेन इज 11/9. इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन. ये सोर्स है ट्रेन, ये इधर की तरफ जा रही है, ऑब्जर्वर है, ये ट्रेन पार कर चुकी है इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी एन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी एन है. पहले इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, N1, तो N1 बराबर कितना देगा, N इंटू, ये देगा आपके पास में वी अपॉन वी माइनस क्या देगा आपके पास में Vs, और ये देगा आपके पास N2 बराबर N इंटू, ये देगा आपके पास में वी अपॉन वी प्लस Vs हो जाएगा. इसके बाद यहां से अपन डिवाइड करते हैं, तो N1 अपॉन क्या देगा N2 बराबर, N1 अपॉन N2 बराबर क्या देगा अभी V प्लस क्या देगा आपके पास में Vs अपॉन क्या देगा V माइनस Vs हो जाएगा अभी, ठीक है ना. अब सुनना ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि बिफोर कमिंग एंड आफ्टर गोइंग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 11/9 बोल देंगे, 11/9 बराबर. तो यहां से ध्यान से देखना, देखो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास 9V, इसके बाद प्लस क्या देगा आपके पास 9Vs बराबर, इसको अपन बोलेंगे 11V माइनस क्या देगा आपके पास 11Vs हो जाएगा. इसके बाद में 2V बराबर, इसको अपन क्या बोलेंगे 20Vs. तो यहां से आपके पास ध्यान से देखते हैं, देखो Vs बराबर क्या देगा आपके पास V/10, V कितना देगा अभी 340, तो इसको अपन बोलेंगे 34 मीटर पर सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा. तो डॉपलर इफेक्ट का बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है, देख सकते हो इसको आप. चले फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ए वुडन ब्लॉक इज अटैच्ड विद स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग इज अटैच्ड विद बॉटम ऑफ कंटेनर फुल ऑफ वाटर, नाउ होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, देन एक्सपेंशन इन स्प्रिंग. अब बात सुनना भी ध्यान से देखना, देखो यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो है ना, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अभी इस ब्लॉक पे. देखो इस ब्लॉक पे एक तो फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे एक तो लग रहा है खुद का नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है तो नीचे की तरफ स्प्रिंग का क्या लग रहा है अभी kx लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है ध्यान से देखना, इस पर बायोट फोर्स लग रहा है fp लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स अपन बराबर कर देंगे, तो यहां से आपके पास है kx बराबर कितना देगा अभी fb माइनस क्या देगा आपके पास mg, तो x बराबर क्या देगा आपके पास fb माइनस क्या देगा आपके पास mg अपॉन क्या देगा आपके पास है k हो जाएगा, ठीक है ना. और fb को अपन क्या लिख सकते हैं, fb बराबर क्या देगा आपके पास v रो g, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी v इंटू क्या देगा आपके पास रो माइनस m को अपन क्या लिख सकते हैं अभी v सिग्मा, तो ये देगा आपके पास में v सिग्मा इंटू जी अपॉन क्या देगा k हो जाएगा. और अगर आप जैसे इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसको अगर आप एक्सलेट करवा रहे हो, तो जी डैश क्या बन जाएगा, जी माइनस ये बन जाएगा, तो एक्स डैश बराबर क्या देगा आपके पास वी रो माइनस क्या देगा आपके पास है सिग्मा अपॉन के, और जी डैश को अपन क्या बोलेंगे जी माइनस ये बोल देंगे, यानी जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम, जिससे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, तो डिक्रीज होता है, तो सेकेंड ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37. ओके आगे बढ़ते हैं फिर अपन. अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करे, ये करे ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस 3 ओम, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर. ये सिंपल सी बात है कि ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास 2 ओम, EMF कितना देगा 10 वोल्ट, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ इतनी और रेजिस्टेंस इतना, तो सबसे पहले आई निकाल दो, तो आई बराबर क्या देगा आपके पास वी अपॉन आर नेट, तो आपका वी कितना देगा भाई 10 वोल्ट, और आर नेट कितना देगा आपके पास 2+3 कितना देगा 5, तो इसको अपन बोल देंगे 2 एम्पियर. इसके बाद वी आर बराबर क्या देगा आपके पास आई इंटू आर, आई कितना देगा 2 हो जाएगा, आर कितना देगा पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 6 वोल्ट, और x बराबर क्या देगा आपके पास वी आर अपॉन क्या देगा l, तो 6 अपॉन लेंथ कितने देगी इसकी बताओ 500,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 500 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 500 सेंटीमीटर मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 6/5 मीटर, ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर में लेना आपको ना, मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बराबर कितना देखा आपके पास है, ध्यान से देखना, देखो 500, अरे क्या लिख दिया मैंने, तो इसको अपन लिख देंगे, ध्यान से देखना, देखो ये देखा आपके पास में कितना, VR 6/5 कितना देखा 500, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, ये देखा आपके पास मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा, इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 38 आपका फिनिश हो गया। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 अपन देखते हैं, इन द गिवन सर्किट विद स्टडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। अब बात सुना, मैं यहाँ पे बात करा अभी स्टडी करंट, तो स्टडी करंट मतलब इस कैपेसिटर में से किसी प्रकार की करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है करंट किधर से फ्लो होगी, इस प्रकार से इधर से फ्लो होगी, तो करंट का रास्ता ये बन जाएगा भाई, ये करंट इस प्रकार से यूँ होते हुए इधर से आते हुए इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगी। तो इस वाले रास्ते में अगर अपन बात करते हैं तो वी नेट कितना देगा आपके पास में 2V, और इसके बाद माइनस क्या देगा भाई, वी हो देगा, ये तो देगा आपके पास में वी नेट अपन आर नेट कितना देगा 2R+R हो देगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2R+R, तो इसको अपन क्या बोलेंगे I बोलेंगे। तो 2V - V कितना देगा आपके पास में, V अपन 2R+R कितना देगा 3R हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना देगा, V अपन 3R हो गया अभी, समझ गए बात आप। अब देखना ऐसे देखो, यहाँ पे अपन क्या करते हैं अभी, इस कैपेसिटर पर अपने को क्या करना है अभी, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, और इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं अभी, वाई बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो एक्स, एक्स का पोटेंशियल कितना देगा, वी एक्स हो देगा। इसके बाद चलते चलते रेजिस्टेंस से इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना देगा, माइनस का आई आर, तो आई कितना देगा आपके पास में, वी बाई 3R इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना देगा भी, आर हो जाएगा, और इसके बाद माइनस का वी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, वी वाई बन जाएगा। आर से अपन आर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे वी प्लस वी बाई 3 कितना देगा, 4V/3, तो अपन बोलेंगे वी एक्स माइनस का वी वाई बराबर कितना देगा आपके पास में, 4V/3 हो जाएगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो एक्स और वाई इन दोनों के बीच में अगर अपन इस वाली ब्रांच से इधर से अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो कितना देगा, 4V/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, 4V/3। अब इस 4V/3 में से इसका कितना देगा भी, वी हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर पर कितना देगा आपके पास, V/3 हो जाएगा, कितना देगा, V/3। तो कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना देगा, V/3। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधा करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो सबसे पहले करंट निकालेंगे, इसके बाद ये वाली जो ब्रांच, इस पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे, और उसके बाद में इस बैटरी पर वोल्टेज अपने को मालूम है, और फिर उसके बाद ये जो कैपेसिटर है इस पर वोल्टेज अपन पता कर देंगे। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं अभी, वो KVL लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, वी एक्स, इसके बाद में कैपेसिटर आ गया, तो प्लस क्या देगा आपके पास में, वी सी, बैटरी आ गया, तो बैटरी का क्या देगा आपके पास में, माइनस का वी, इसके बाद में बराबर क्या देगा आपके पास में, वी वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपने पास में वी एक्स माइनस का वी वाई बराबर क्या देगा आपके पास में, वी माइनस का वी सी हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को अपन उधर की तरफ ले देंगे, तो वी एक्स माइनस वी वाई को अपन क्या बोलेंगे, 4V/3 बोलेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे 4V/3 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो वी सी है वो वी सी बराबर कितना देगा अभी, वी सी बराबर देगा 4V/3 माइनस क्या देगा आपके पास, वी इक्वल टू क्या देगा, वी बाई 3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना देगा, V/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो क्या करे, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप वायर इज 2/5 ओम/मीटर, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ AB कुछ टू कितना देगा 2 मीटर इज स्लाइडिंग विद स्पीड 1 मीटर/सेकंड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नेग्लिजिबल, ठीक है भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले मतलब ये वाला जो वायर है जो इस प्रकार से इधर की तरह मूव कर रहा है, तो ये वाला वायर है ये क्या करेगा भी, EMF प्रोड्यूस करेगा,
तो ये वाला वायर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा भी, बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इसकी बैटरी का मतलब ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई बराबर होता है आपके पास बी वी एल हो जाएगा भी। तो बी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भी यहाँ पे 2 टेस्ला। इसके बाद इसका वी कितना हो जाएगा बताओ, 1 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बताओ, 2 मीटर 2 मीटर। तो इसको अपन बोलेंगे 4 वोल्ट बोलेंगे। तो ये तो इसका ईएमएफ आ जाएगा कितना देगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर भी किसकी तरह भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला जो वायर है वो भी क्या करेगा भी, इस प्रकार से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो रोड है, इस रोड का जो रेजिस्टेंस है वो आपको नेग्लिजिबल बता रखा, तो इसका रेजिस्टेंस अपन 0 मान लेंगे भी। तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा बताओ, इसका रेजिस्टेंस आर बराबर क्या बन जाएगा बताओ भाई, यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना देगा, 2/5। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2/5 इंटू इसकी लेंथ कितनी देगी आपके पास में, पाई आर पाई। और इसके बाद में रेडियस, इसकी रेडियस कितनी देगी भी, 1 मीटर हो जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे 1 बोल देंगे, पाई से अपन पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना देगा आपके पास में 2 ओम हो जाएगा। कितना देगा, 2 ओम, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस है वो भी कितना देगा आपके पास में, 2 ओम, और इसका रेजिस्टेंस भी कितना देगा आपके पास में, 2 ओम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में इस सर्किट को अपन कैसे बना सकते हैं, कैसा सर्किट बन जाएगा भाई, ये ऐसा सर्किट बन जाएगा, ये 2 ओम हो गया, यहाँ पर आपके पास में बैटरी हो जाएगी इस प्रकार से, ये बैटरी हो गई, और फिर उसके बाद में ये भी आपके पास में क्या देगा भी, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम प्लस माइनस बैटरी का वोल्टेज कितना देगा आपके पास में, 4 वोल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है भी, इस बैटरी में इससे फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, कि आपके पास में 2 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट अपन ऐसे बना सकते हैं, ये बैटरी को तो अपन इस प्रकार से यहाँ पर यू बना दिया, और ये रेजिस्टेंस अपन लगा देंगे, तो 2 2 का कितना हो जाएगा आपके पास, 1 ओम हो जाएगा अभी, ये प्लस माइनस, इसको अपन क्या बोल देंगे, 4 वोल्ट बोल देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर जो करंट आई है, तो आई इक्व टू कितना देगा अभी, 4/1 इक्व टू कितना देगा, 4 एम्पियर, ठीक है ना। और इस पर अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है वायर पर, तो एफ इक्व टू क्या देगा अभी, ILB, तो ILB, तो I तो अपन ने निकाल लिया कितना भी, 4 हो जाएगा। इस वायर की जो लेंथ है वो कितना हो जाएगी भी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो कितना, ये हो जाएगा 2 टेस्ला, ये 2 टेस्ला हो जाएगा। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आपके पास में जो मूविंग वायर है वो क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर आएगा। तो इस वायर को अपन एक बैटरी की तरह मान सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दोनों जो वायर है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके इस वायर में से फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट कर देंगे, और उसके बाद में एफ इक्व टू ILB से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी अपन ईजिली कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ए डीसी एमीटर एंड एन एसी थर्मल एमीटर आर कनेक्टेड टू ए सर्किट इन सीरीज, ठीक है ना। व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सर्किट, ठीक है, द डीसी एमीटर शोज I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर इस सर्किट के अंदर एक तो आपके पास डीसी करंट है IDC, बराबर कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। और वेन ए साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट द एसी एमीटर शोज I2 इक्व टू कितना देगा, 6 एम्पियर। तो भैया ये आपके पास IAC इक्व टू कितना देगा भी, ये देगा आपके पास RMS वैल्यू देगी, तो इक्व टू कितना देगा भी, ये देगा आपके पास 8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। कि बोथ I1 एंड I2 आर पास थ्रू द सर्किट, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान से देखना, देखो आपका जो डीसी एमीटर है वो एसी करंट को तो मेजर करने से रहा, तो अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो जो डीसी एमीटर है उसकी जो रीडिंग है वो तो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, देखो IDC आ जाएगी, और IDC बराबर कितना देगा आपके पास है, 6 एम्पियर। और जो एसी एमीटर है ये किसको मेजर करता है, ध्यान से देखना, देखो ये IRMS को मेजर करता है, और IRMS बराबर कितना देगा भी, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, दोनों का RMS निकाल लेंगे अपन। तो 6 का स्क्वायर कितना देगा, 36 प्लस कितना देगा, 6400,
और 100 का रूट कितना देगा आपके पास है 10 एम्पियर। तो जो डीसी एमीटर उसकी रीडिंग तो कितना देगी 6 एम्पियर। द डीसी एमीटर विल शो जीरो करंट, गलत। द डीसी एमीटर विल शो 6 एम्पियर करंट, सही। द एसी एमीटर विल शो 14 एम्पियर, गलत। एसी एमीटर विल शो जीरो करंट, ये भी गलत हो गया। तो केवल आपका जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा अभी। तो याद रखना जो डीसी एमीटर होता है वो तो एवरेज करंट को मेजर करता है, और आपको पता है कि जैसे मतलब ये वाली जो 8 एम्पियर इसका एवरेज तो जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज जीरो होता है। इसी कारण से जब डीसी एमीटर है उससे अपन एसी करंट मेजर करते हैं उसकी रीडिंग जीरो आती है, और जो एसी एमीटर होता है वो किसको आरएमएस करंट को मेजर करता है, तो आरएमएस टोटल कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा अभी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट उदाहरण से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टार इनिशियली हैज 10^40 न्यूट्रॉन्स, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाय द प्रोसेस। आपको यहाँ पे जो प्रोसेस दे रखी है इस प्रोसेस से ये क्या करता है भी एनर्जी लिबरेट कर रहा है। 1H2+1H2 = क्या देगा 1H3+प्रोटॉन, 1H2+1H3 = क्या देगा 2HE4+न्यूट्रॉन। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये जो 1H3 यहाँ पे बन रहा है ये 1H3 यहाँ पर काम आ रहा है अभी, ठीक है ना। तो इसकी अपन इक्विवेलेंट रिएक्शन लिख सकते हैं 1H2+1H2+1H2 बराबर क्या देगा आपके पास है 3 1H2 बराबर क्या देगा आपके पास है 3 1H2 मिलकर के क्या बनाते हैं भाई ये इससे ये कट गया रिएक्शन ऐसे तो बनाते हैं इक्वल टू क्या देगा आपके पास है 2HE4+ क्या देगा प्रोटॉन प्लस क्या देगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 1H2 का मास कितना दे रखा भाई ये रहा, तो इसको 3 times कर देंगे, तो 3 times कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा, कितना देगा भाई 2.042 amu। और इसके बाद यहाँ से अपन टोटल निकालेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का मास कितना देगा भाई 2He4 ये रहा, तो 4.001। तो इसको अपन लिख देंगे, ध्यान से देखना देखो 4.001 ये कितना देगा 1.008 और ये कितना देगा 1.008। तो इसको अपन बोलेंगे कितना भी सॉरी ये हो जाएगा 6, तो इक्वल टू कितना देगा भी 6. ये देखा आपके पास है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू देगा 6.042 amu। और मास ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये कितना देगा भी ये देगा 6.017 amu। इसके बाद ध्यान से देखना देखो अपन बात करते हैं डेल्टा एम की बात करते हैं, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या देगा भी मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस क्या देगा आपके पास मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो बराबर कितना देगा भी इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना देगा बताओ 42 में से 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना देगा भी ये बन जाएगा आपके पास में इसको माइनस कर देते हैं 6.042 माइनस कितना देगा 6.017। तो ध्यान से देखना देखो ये बन जाएगा कितना 0.025 amu। अब यहां पर अगर अपन एनर्जी की बात करते हैं क्यू की बात करते हैं तो ये कितने देगी 0.025, एक एमयू से कितनी एनर्जी आती है 931 mega electron volt, ठीक है ना। तो बात सुना अभी इसको अपन 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.025 है ना इंटू 931 इक्वल टू कितना देगा 23.28। तो बराबर आ जाएगा आपके पास 23.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब मेगा मतलब कितना होता है अभी 10^6, इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ आ गया अभी। तो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो कितना देगा 23.28 इंटू कितना देगा 1.6, तो कितना देगा आपके पास 37, तो 37.28
ये देखो आपके पास है 25 है ना, और इंटू 10 टू दी पावर कितना देगा आपके पास है माइनस का 13, ये देगा आपके पास है जूल आ जाएगा अभी, कि इतनी एनर्जी आ गई। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पर जो तीन ड्यूट्रॉन्स है वो तीन ड्यूट्रॉन मिलकर के इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक ड्यूट्रॉन से कितनी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी बताओ, एक ड्यूट्रॉन से कितनी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ये देखिए आपके पास 37.25 इंटू कितना देगा 10 टू दी पावर माइनस का 13 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 3, तो बराबर कितना देगा भी, इसको अपन बोल देंगे ध्यान से देखना, देखो 37.25 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा तो कितना देगा आपके पास 12.4 आ जाएगा, तो 12.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 13 ये आपके पास में जूल आ गया अभी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पर ड्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी आपको प्राप्त होने वाली है, पर ड्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी आपको प्राप्त होगी, समझ गए बात आप। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो यहां पे जो पावर है वो कितने दे रखी है 10 टू दी पावर 16 वोट दे रखी है, ठीक है ना, तो टाइम आपको पूछा जा रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि पावर बराबर क्या हो जाएगा एनर्जी, पावर बराबर क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं पावर बराबर एनर्जी अपॉन क्या देगा आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं पावर, पावर कितने दे रखी है 10 टू दी पावर 16 दे रखी है बराबर, टोटल एनर्जी की बात करते हैं अपन, सुनो ध्यान से देखना, देखो एक न्यूट्रॉन से एनर्जी हो जाएगी कितनी 12.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 13, तो इसको अपन बोलेंगे ध्यान से देखना, देखो 12.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 13, और टोटल आपके पास में कितने न्यूट्रॉन से बताओ 10 टू दी पावर 40, ठीक है, अपॉन क्या देगा आपके पास टाइम हो जाएगा, तो इससे अपन टाइम कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, और कौन सा आंसर आ जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर आ जाएगा 3rd, तो सॉल्व करने से आपको लगभग ये आंसर आ जाएगा, अभी लगभग आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले दोनों रिएक्शंस को ऐड करके मैंने टोटल जो फाइनल रिएक्शन है वो कैलकुलेट कर दी, रिजल्टेंट रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा एम, यानी मास डिफेक्ट, ठीक है ना, और 931.5 होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, इससे मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे को यहाँ से क्यू की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है ना, क्यू कितना आ गया 37.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 13 आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है वो एनर्जी ध्यान से देखना, देखो तीन ड्यूट्रॉन की आई है, तीन ड्यूट्रॉन मिलकर के ये रिएक्शन देते हैं, तो एक ड्यूट्रॉन की अगर एनर्जी निकालने तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूट्रॉन एनर्जी आ गई, ठीक है ना। अब एक ड्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी तो 10 टू दी पावर 40 से इंटू 10 टू दी पावर 40 कर दो अपॉन टाइम, और एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 10 टू दी पावर कितना देगा आपके पास में 16, ये पावर आ जाएगी अभी। यहाँ से अपन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो लगभग आपके पास में 10 टू दी पावर 12 सेकेंड आ जाएगा, समझ गए बात आप। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आई है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है बट मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट कह रहा है कि ध्यान से देखना, देखो द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर, तो ध्यान से देखना, देखो जैसे अपन बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा इस प्रकार से पी साइड, ये आपके पास एन साइड हो गया, ये आपके पास में क्या होते हैं होल्स होते हैं, इधर की तरफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इन होल्स पर तो फोर्स लगता है इस प्रकार से इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है इधर की तरफ, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर जो करंट होती है वो किसकी वजह से होती है बताओ, ये करंट होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, और मेजॉरिटी चार्ज करंट कैरियर्स की वजह से जो करंट होती है इस करंट को अपन क्या बोलते हैं डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में, तो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में पी साइड हो जाएगा, ये एन साइड हो जाएगा, पी में मेजॉरिटी में क्या होते हैं इस प्रकार से होल्स, माइनॉरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर की तरफ मेजॉरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में क्या होते हैं होल्स होते हैं, पी की तरफ चार्ज कैसा होता है माइनस होता है, एन की तरफ चार्ज कैसा होता है अभी इस प्रकार से प्लस होता है, तो
तो प्लस या माइनस की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इधर और इधर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इधर की तरफ धकेलता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जो करंट होती है वो किसकी वजह से होती है, ये होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और इस वाली करंट को अपन क्या बोलते हैं, अभी इस वाली करंट को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, देखो डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन, योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गई बात आप? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद है नेक्स्ट अपन। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स वाई विल बी जीरो व्हेन। चलो भाई सुनो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहां पर मिलेगा ए प्लस बी का बार, यहां पे क्या देगा सी, तो यहां पे वाई बराबर क्या देगा ए प्लस बी का बार ये डॉट सी का बार। तो वाई बराबर क्या देगा भाई ए प्लस बी बार डॉट सी बार। डी मॉर्गन थ्योरम से अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी बार, ये आपके पास है सी। अब इस ऊपर वाले बार को बार बार डॉट को बना दो प्लस, बार से बार कट जाएगा, तो ए प्लस क्या देगा बी, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास है सी बार आ गया। अभी समझ गए? अब बात सुना भी, वाई जीरो कब हो सकता है, वाई जीरो कब हो सकता है, जब ये भी क्या देगा भाई जीरो, और ये भी क्या देगा भाई जीरो, और ये भी क्या देगा भाई जीरो देगा। तो ए बराबर तो क्या होना चाहिए जीरो, बी बराबर भी क्या होना चाहिए जीरो, बट सी बराबर क्या होना चाहिए वन, ताकि आपको सी बार है वो कितना प्राप्त हो जाए जीरो, और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर क्या देगा जीरो। तो ए बराबर बी बराबर जीरो और सी बराबर क्या होना चाहिए वन होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सीधा सीधा करेक्ट जा रहा है अभी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इन द गिवन डायग्राम ए रोड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मास ऑफ दिस रोड इज एम, चार्ज क्यू, लेंथ एल, देन फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रोड। तो रोड का आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर क्या होता है क्यू एल अपॉन टू एम। क्यू एल को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, देखो आई ओमेगा अपॉन क्या देगा आपके पास है टू एम। तो ये आपके पास में जो एम है, एम बराबर क्या देगा क्यू, आई क्या होता है रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा अपॉन टू एम। एम से अपन क्या करेंगे, यहां पे एम को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो क्यू ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स। तो क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई सिक्स फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो आंसर आ चुका है, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ए बॉल हूज काइनेटिक एनर्जी इज ई इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट अ हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। तो बात सुना भी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या देगा, ई इक्वल्स टू क्या देगा हाफ एम यू स्क्वायर, ई हाइएस्ट, या इसको ई मिनिमम भी बोल दो चाहिए, बराबर क्या देगा हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस थीटा कितना देगा अभी, कॉस 60 हो गया क्या, कॉस 60 का होल स्क्वायर, तो ये देगा आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कितना देगा 1/4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी e, तो ये बन जाएगा आपके पास e by 4। कितना आंसर, कितना आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन, ये कह रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज द गैप्स आर क्लोज्ड बाय टू रेजिस्टेंस p एंड q एंड द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेंड एट 40 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कितना देगा 40, तो ये कितना देगा अभी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं P अपॉन Q बराबर क्या देगा 40 अपॉन 60 बराबर हो जाएगा 2/3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया।
व्हेन क्यू इज शंटेड, शंटिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है, व्हेन क्यू इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, तो क्यू पर ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपने एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन ये कितना देगा आपके पास 20 इंटू क्यू अपॉन क्या देगा 20 प्लस क्यू बराबर 50 अपॉन क्या देगा 50 बराबर 1 अपॉन 1, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो इसको अगर अपन सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पी बराबर 20 क्यू अपॉन क्या देगा आपके पास 20 प्लस क्यू, ठीक है ना। अब यहां से अपन एक काम कर सकते हैं, जो P है इस P को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी यहां से P को लिख सकते हैं 2q/3, तो P को लिख देंगे 2q/ क्या देगा आपके पास 3 हो जाएगा, सही बात है ना, तो यहां पे Q से अपन क्या करेंगे, Q को कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास 60 बराबर, 20 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 40 और प्लस क्या देगा आपके पास 2q, तो 60 − 40 कितना देगा 20, तो 2q बराबर कितना देगा आपके पास है 20, तो यहां से q बराबर कितना देगा आपके पास है 10 और q बराबर कितना देगा आपके पास है 10, तो p कितना हो जाएगा यहां से p हो जाएगा आपके पास है 20/3, तो p तो कितना देगा आपके पास है 20/3 और q कितना देगा 10 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा, अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। इसके बाद है चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करें, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वॉट, द वैल्यू ऑफ आर, तो बात सुनना, अभी 30 वॉट की यहाँ पे पावर डिसिपेट हो रही है, ठीक है ना, तो अपन एक काम करते हैं ध्यान से देखना, देखो आर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ये आपके पास 10 वोल्ट हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये आपके पास आर हो गया, ठीक है ना, तो क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो भाई दो तरीके हैं, एक तो इस पे पावर निकाल लो, इस पे पावर निकाल लो, दोनों को जोड़ करके 30 के बराबर कर दो, या इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो, तो कितना देगा बताओ, आर नेट बराबर कितना देगा आपके पास 5R/5R, और इसके बाद में पी बराबर कितना देगा आपके पास 20/R नेट, तो पी बराबर कितना देगा आपके पास 30 बराबर 20/R, V कितना देगा 10, 10 का स्क्वायर कितना देगा 100/R कितना देगा आपके पास है 5R और ये देगा आपके पास है 5+R, ठीक है ना, तो बोलो ये 5 से 100 को काट देंगे कितनी बार 20 बार, और 20 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/2, तो 5+ क्या देगा आपके पास R बराबर क्या देगा आपके पास है 3/2, तो R बराबर कितना देगा आपके पास है 5 - कितना देगा 3/2, तो कितना देगा आपके पास है 7/2 बन जाएगा, क्या 7/2 ओम, ठीक है क्या, तो ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वॉट, द वैल्यू ऑफ R इज, तो R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, है ना, तो R नेट बराबर क्या देगा आपके पास बताओ 5 × R/5+R, ठीक है, P बराबर क्या देगा 20/R और P कितना देगा आपके पास 30, 20/V कितना देगा 10, 10 का स्क्वायर कितना देगा 100/R कितना देगा, R हो जाएगा 5R/5+R, इसके बाद में ये कितना देगा 20, ठीक है ना, ये 20 आ गया और 20 मतलब 3/2 आ गया, तो 3/2 यहाँ पे R भी तो है भाई, यहाँ पर R भी तो है ना, ये R भी तो है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ध्यान से देखना, देखो 5+R बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, 5+R बराबर कितना देगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे तो यही तो बन जाएगा ना 30 = ये 20 आ गया ना 20, तो इसको अपन बोलेंगे, या 30 R ले आता हूँ इधर की तरफ,
तो 30R बराबर 20 इंटू कितना देखा आपके पास में 5 प्लस R, तो इसको अपन बोलेंगे 30R बराबर 100 प्लस कितना देखा आपके पास में 20R। इसके बाद में 30R माइनस 20R बराबर कितना देगा 10R बराबर कितना देगा 100। तो यहाँ से आपके पास R बराबर कितना देगा 10 ओम। 10 ओम यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वापस इसको आपने सुधार दिया अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 आपका हो चुका है, दो क्वेश्चन और बच्चे हैं उनको भी कर लेते हैं, फिर पेपर अपना फिनिश हो जाएगा। क्या कह रहा है ध्यान से देखना, देखो इफ लैम्डा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए प्रोटॉन एक्साइटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली बात है कि लैम्डा बराबर कितना होता है आपके पास h/p, h/p को अपन क्या लिख सकते हैं अभी रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ई। तो h/ रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो यहां से आपके पास है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h कांस्टेंट 1/ रूट ऑफ मास हो गया, चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अभी सेम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये देखो आपके पास मास अल्फा चार्ज अल्फा मास प्रोटॉन चार्ज प्रोटॉन। अब बात सुना अभी प्रोटॉन का मास कितना देगा m, प्रोटॉन का चार्ज कितना देगा आपके पास e, अल्फा का मास कितना देगा बताओ 4m, चार्ज कितना देगा बताओ इसका देगा आपके पास 2e। m से m, e से e कैंसिल आउट कर दो तो कितना देगा आपके पास 1/√2। तो लैम्डा अल्फा बराबर कितना देगा आपके पास है लैम्डा प्रोटॉन अपॉन 2√2, और लैम्डा प्रोटॉन कितना दे रखा है अभी लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट अपॉन क्या देगा 2√2 देगा अभी, तो लैम्डा नॉट अपॉन 2√2 थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आ जाएगा अभी। समझ गए बात आप, इसके बाद में चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। अब बात सुना अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यू ई बार बराबर कितना होता है 1/2 ε0 e² मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है बताओ 2 μ0 और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर आपको जैसे टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो ये देगा आपके पास यू ई बार प्लस क्या देगा आपके पास यू बी बार हो देगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसको 2 ue bar लिख दो, चाहे इसको आप चाहे इसको ध्यान से देखना देखो आप 2 b bar लिख दो, 2 ue bar लिख दो जी बराबर ये भी। तो इसको आप चाहो तो ध्यान से देखना देखो ε0 e² भी लिख सकते हो और b² / μ0 भी लिख सकते हो। तो ε0 e² यही आपका आंसर क्या देगा भाई सही हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो नीट पैटर्न पर एनटीए ने जो नीट का नया पैटर्न बनाया उसके अकॉर्डिंग पेपर को डिजाइन किया गया था, दो सेक्शन थे 35 + 15 का, पहले 35 क्वेश्चन कंपलसरी मैंडेटरी थे और उसके बाद में अगले जो 15 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको चॉइस थी कि कोई भी आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और 5 क्वेश्चन को आप अपनी मर्जी से स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पेपर बिल्कुल एकदम नीट के पैटर्न से नीट के पैटर्न पे बेस्ड था, ना सारे क्वेश्चन इजी थे और ना सारे के सारे क्वेश्चन टफ थे। कुछ क्वेश्चन जितने नीट के पेपर में भी टफ होते हैं भी, मतलब टफ नहीं बोल सकते मॉडरेट बोल सकते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े बहुत कैलकुलेटिव थे, कुछ थोड़े बहुत लेंथी थे, हर टाइप के क्वेश्चन नीट के पेपर में आते हैं। तो हर प्रकार की सिचुएशन के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। बाकी बच्चों निश्चित रूप से आप सब लोग नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, 12th ऑफ सेप्टेम्बर को आपका नीट का एग्जाम होना है,
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी।